हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मॉर्निंग सेशन में तो जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं प्लीज मुझे एक बार रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं आज के इस सेशन को स्टार्ट कर सकूं ईच ऑन ईच वन ऑफ यू प्लीज डू ज्वाइन द सेशन एज क्विकली एज पॉसिबल सो डैट आई कैन स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स फॉर टूडे हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार एंड वेलकम टू ऑनलाइन वेंचर्स जो बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं प्लीज मुझे एक बार रिस्पॉन्ड करें ताकि मैं आज के सेशन को स्टार्ट कर सकूं देखो आज हम लोग अपने डे में हैं आरआरबी एनटीपीसी के मॉक एनालिसिस को लेकर के वेरी गुड मॉर्निंग लक्ष्मी जी वेलकम टू द सेशन तो आप लोगों को इस मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है हेमराज जी वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास कि अभी जो आने वाला एग्जाम है इसके अंदर आपको किसी भी तरीके से कोई फोबिया ना रहे डर ना रहे उसके लिए इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को एनालाइज किया जा रहा है हम लोग आप लोग तक लेकर के आ रहे हैं हर सेक्शन के अंदर तो जो बच्चे हमारे यहाँ नए सब्सक्राइबर के रूप में आ रहे हैं प्लीज आप लोग हमारे ऑनलाइन वेंचर्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी कंटेंट हम लोग आपके लेकर के आ रहे हैं इसको पीडीएफ फॉर्म्स में आप तक पहुंचाया जा सके तो सबसे पहले आज के मॉक एनालिसिस की जो शुरुआत है वो की जा रही है जनरल अवेयरनेस से ठीक है ना हम लोग इसमें फोर्टी क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि पाइथन क्या है आपने इसके बारे में अगर सुना है तो आप प्लीज इसको आंसर कीजिए कि पाइथन क्या है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ये एक कंपाइलर है ठीक है ना सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो ये है कि पाइथन इनमें से क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंपाइलर देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जो वर्ल्ड लाइनर क्वेश्चन होते हैं रेलवे इसका एक अलग ही स्वैग है इन क्वेश्चन का तो आपको ध्यान रखना है कि पायथन हमारा क्या है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है आज के लिए कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा क्या कहा जाता है आपने हमेशा सुन, सुना होगा आम बोलचाल की भाषा में अब्नि तिवारी गुड मॉर्निंग वेलकम टू द क्लास आपने सुना होगा कि हम लोग कोलेट्रल डिपॉजिट करके आए या कोलेट्रल फ्री लोन है तो इस तरह के वर्ड्स को सुनने को मिलता है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी जो लोन के लिए होता है वो क्या होती है दिस इज ओन्ड बाय द लेंडर इट्स अ इट्सिटी ऑफ द लेंडर इट्स एन एसेट ऑफ द और इट्स अ लाइबिलिटी ऑफ द ये ऋणदाता के स्वामित्व में होता है ऋणदाता की एक देयता है उधारकर्ता की परिसंपत्ति है या उधारकर्ता की एक देयता है ठीक है ना ये लेंडर के द्वारा होता है लाइबिलिटी ऑफ द लेंडर है या एसेट ऑफ द बोरवर है ये बताओ आप लोग ये बिल्कुल सुना होगा क्योंकि जो आप बैंक्स में कभी भी आप लोन लो के, लेने के लिए जाओ तो वो कहते हैं कि आप कोलेट्रल में क्या रखोगे ठीक है ना डिपॉजिट में क्या रखोगे गारंटी में क्या रखोगे तो एक तरह से आप याद रखना कि कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है एक तरीके की ये जमा पूंजी है जिसके अगेंस्ट आप लोन जाकर के लेते हो तो ये एक एसेट ऑफ द बोरवर है अगला सवाल यह है जो ओजोन मॉलिक्यूल है यह बना हुआ है कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का जो ओजोन अनु ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से बना होता है ए ऑप्शन इज थ्री बी इज फोर सी इज फाइव एंड डी इज सिक्स आपको बताना है कि ओजोन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉरी कितने एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के ये क्वेश्चन है आपके लिए हाउ मेनी एटम्स आर ऑक्सीजन आर देयर इन द ओजोन आपको पता है कि जो ओजोन है इसको हम क्या लिखते हैं ओ थ्री तो आंसर हो जाएगा ए और ये स्टेटोस्फेयर लेयर में है समताप मंडल में और ये सूर्य की किरणों में जो मौजूद पारा किरणें होती हैं उनको हमारे सतह तक आने से रोकती है ताकि हम अपने अर्थ के एटमोस्फेयर को गर्व होने से क्या कर सकें रोक सकें चलिए आज का अगला सवाल ये है जो कोरम होती है जिसको हम बोलते हैं मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू कैरी द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट सिटिंग ऑफ द लोकसभा इज हाउ मच ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस लोकसभा बैठक के गठन के लिए जो कोरम है या निर्दिष्ट संख्या है सदस्य के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होती है वन हाफ आधी टू थर्ड दो तिहाई वन सिक्स छठा हिस्सा या वन टेंथ दसवां हिस्सा और ये कोरम मेंशन कहां पे किया गया है तो आप बताओगे आर्टिकल हंड्रेड में अनुच्छेद एक जो है वो किससे रिलेटेड है कोरम से यानी कि जब तक ये मिनिमम स्ट्रेंथ लोकसभा में या विधानसभा में नहीं होगी ठीक है ना तब तक हम उस दिन के प्रोसीडिंग्स को कैरी आउट नहीं कर सकते और ये कितना होता है तो आप बताओगे वन टेंथ सो डी इज द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग डी इसका बिल्कुल सही जवाब है चलिए अब आते हैं हम लोग आज के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो हमारा है कि सिलिकन जो है इसको हम कॉमनली किस रूप में प्रयोग करते हैं सिलिकॉन आमतौर पर किस रूप में उपयोग किया जाता है सेमी कंडक्टर अर्ध चालक के रूप में कंडक्टर सुचालक के रूप में एम्पलीफायर प्रवर्धक के रूप में या इंस्यूलेटर विसंवाहक के रूप में आपको बताना है सिलिकॉन को हम इनमें से किस रूप में सबसे ज्यादा यूज करते हैं ये बताइए आप लोग चलो फटाफट आंसर करो आप लोग गो फॉर द रिप्लाई एवरी वन कोई आइडिया है आपको इसके बारे में आपको ध्यान रखना है सिलिकॉन जो है इसको हम लोग बेसिकली किसके रूप में तो आप बताओगे अर्ध चालक यानी कि सेमी कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं और इसको हम सबसे अधिक यूज करते हैं कहां पे तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में विथ रेफरेंस टू कंप्यूटिंग व्हाट इज एन एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट क्या है यह एक जावा एप्लीकेशन है यह एक कुकी है ये फायर वॉल है और ये एक कंप्यूटर वायरस है गुड मॉर्निंग कीर्ति वर्मा वेलकम टू द सेशन बताइए आप लोग कंप्यूटिंग के रेफरेंस में जो एप्लेट है या app, इसको हम किस रूप में यूज करते हैं ये बताइए आप लोग कोई आइडिया बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हम एपलेट की बात करें कंप्यूटिंग रेफरेंस में तो आपको ध्यान रखना है ये एक जावा एप्लीकेशन है क्या है ये एक जावा एप्लीकेशन है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज कॉल्ड द ट्रॉय ऑफ द ईस्ट बाई द ब्रिटिशर्स निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों ने पूर्व का ट्रॉय कहा था गोलकोंडा फोर्ट गिंगी फोर्ट या गिंगी का किला आमेर फोर्ट या आगरा फोर्ट फटाफट बताओ इसको ट्रॉय ऑफ द ईस्ट किस किले को कहा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इसका आंसर आप लोगों को देना है फटाफट आंसर कीजिए आप लोग आपको बता दू मैं कि अगर हम ट्रॉय ऑफ द ईस्ट की बात करें तो ये क्या होगा गिंगी फोर्ट जो है कहां पे तो आप बताओगे तमिलनाडु ये कहां पर okay. है तमिलनाडु में इसको ध्यान रखना है गोलकोंडा पता है आपको आंध्र प्रदेश में आमिर आमिर पता है आपको ये राजस्थान में है बेस्ड ऑन द ट्वेंटी सिक्स जनवरी टू थाउजेंड टू लेजिस्लेशन वॉट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द रूल्स फॉर फ्लाइंग द इंडियन ट्राई 26 जनवरी 2002 के विधान के आधार पर जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया दिया गया भारतीय तिरंगे को फहराने के लिए इनमें से कौन सा नियम सत्य नहीं है ध्वज को जानबूझकर जमीन को छूने की अनुमति नहीं दी जा सकती द फ्लैग नॉट बी इंटेशनली अलाउड टू टच द ग्राउंड ध्वज का उपयोग सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जा सकता हम फ्लैग को यूज नहीं कर सकते हैं कॉमिनल के लिए तिरंगे का उपयोग तोरण थाली या ध्वज पट्टी के रूप में नहीं किया जा सकता ये जो ट्राई कलर है इसको हम फेस्टॉन रोसेट और बंटिंग के लिए यूज नहीं करेंगे और जो प्राइवेट सिटीजंस है हैव नो राइट टू तो फ्लाई द फ्लैग ऑन देयर प्रमिस निजी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज को फहराने का कोई अधिकार नहीं है तो आपको पूछा गया है कि 2022 में जो 26 जनवरी है उस दिन जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लाया गया नवीन जिंदल की सहायता से ठीक है ना तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि गलत है सत्य नहीं है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इनमें से देखो ये जो फ्लैग कोड लाया गया इसकी सबसे बड़ी विशेषता ही यही थी कि इसने कहीं ना कहीं अलाउ किया हम इंडियंस को एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि हम इस फ्लैग को अपने बिल्डिंग के पे भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं तो ये जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा ट्रू नहीं है सो डी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि ये अलाउ करता है कि हम अपने वे से ऊपर इस फ्लैग को कैरी भी कर सकते हैं ठीक है ना और साथ ही साथ इसको हम अपने बिल्डिंग या किसी भी व्हीकल के ऊपर भी क्या कर सकते हैं नवीन जिंदल नवीन जिंदल के प्रयासों से यह होता द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वॉटर मॉलिक्यूल्स बाय लाइट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट प्रकाश ऊर्जा द्वारा पानी के अणुओं के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वॉटर मॉलिक्यूल्स बाय लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोलाइसिस फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस विकरण अवघटन विद्युत अवघटन प्रकाश अवघटन या ताप अवघटन ये बताओ आप लोग फटाफट द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग वॉटर लाइट देखो जब ही ये लाइट है तो लाइट के लिए हम लोग एक यूज करते हैं वर्ड फोटोन तो देखो फोटो वर्ड कहां पे है सी ऑप्शन में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रकाश अपघटन या फोटोलाइसिस ऐसे क्वेश्चन को जब आप साइंस में अटेम्प्ट ले रहे हैं तो उसको हिंदी में भी पढ़ा कीजिए और क्वेश्चन और जब ऑप्शन को मिलाएंगे तो क्वेश्चन और ऑप्शन बिल्कुल आपको सिमिलर मिल जाएगा ये ट्रिक ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड विच मूवमेंट ठीक है ना जो खाद्य नली होती है इनकी दीवारों के संकुचन और विस्तार को गतिविधि को क्या कहा जाता है इज द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप कॉल्ड इज इट पेरिस्टैल्टिक इज इट बी गैस्ट्रिक इज इट ऑसिलेट्रिक और इज इट डायस्टॉलिक क्रमिक वृत्तों में संकुचन उदर संबंधी दोलनी या अनुशीतलता अब देखो यहां पे सवाल क्या पूछा गया है कि खाद नली की दीवारों का संकुचन और विस्तार संकुचन आया अब देखो ये क्वेश्चन है और सिमिलर कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है आपको यहां भी संकुचन है अब अगर इसके क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं भी पता है तो आप मेरे लॉजिक पे जाइए कि आप इसको हिंदी में यहां पर संकुचन पूछ रहा है ऑप्शन में भी यहां पर एक संकुचन है आंख मून करके आंसर को टिक कर दीजिए आप ये एक तरीका है जब साइंस के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कोई टेक्निकल टर्म्स अगर यूज किया जा रहा है तो उसको हिंदी में पढ़ो और ऑप्शन को भी हिंदी में देखो और अब देखो कि बहुत सारी सिमिलैरिटी होगी और वही उसका क्या हो जाएगा आंसर जब कुछ समझ में ना आए तो आप ऐसे कर सकते हो अगर आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वेन हीट इज गिवेन आउट जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया को कौन सी प्रतिक्रिया कही, जा, कही जाती है

और कोई चीज अगर अंदर आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा एंडो आप समझिए इस बात को तो अगर कोई चीज निकल रही है तो वो एक्सो है और कोई चीज आ रही है तो क्या एंडो है और रिएक्शन किसके लिए पूछ रहा है हीट के लिए तो हीट का मतलब उषमा होगा तो उषमा छेपी यानी कि एक्सोथर्मिक हो जाएगा ठीक है इसको ध्यान रखिएगा आप लोग अगला सवाल ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेविगेशन सैटेलाइट इनमें से कौन सा एक नौवहन उपग्रह है नेविगेशनल सैटेलाइट कौन सा है एस एल वी थ्री सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल थ्री पी एस एल वी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आई आर एन एस एस इंडियन रीजनलगेशनल सैटेलाइट सिस्टम या फिर जी एस एल वी जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नेविगेशनल सेटेलाइट है अब मैंने आपको सारे के फुल फॉर्म बता दिए ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और आई आर एन एस एस क्या है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम तो यहां पे एन का मतलब क्या आया यहां पे एन का मतलब आया आपका कि हम लोग नेविगेशन वर्ड यूज कर रहे हैं यहां पे क्या है ये नेविगेशनल वर्ड यूज हो रहा है नेविगेशनल का मतलब क्या हो गया ये नौवाहक हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा इट द सी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हो आप सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित मुर्द जंजीरा किला मुद जंजीरा फोर्ट जो है महाराष्ट्र में सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाई विच ऑफ द फॉलोइंग महाराष्ट्र में स्थित जो मुरल जंजीरा किला है चारों ओर से इनमें से किससे घिरा हुआ? हुआ है ए इज ट्री वृक्ष इज पैडी फील्ड धान के खेत सी इज गार्डन बागीचे या डी इज जल यानी कि वॉटर ये बताओ मुरंद किला ये किससे घिरा हुआ है फटाफट आंसर करो आप लोग आप लो, आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र में है और ये एक जल दुर्ग है इसको हम लोग किस लिए जानते हैं जल दुर्ग के रूप में ये एक वाटर फोर्ट है इसका मतलब ये ओर से सराउंडेड किससे होगा वाटर से और अहमदनगर साम्राज्य के अंदर सत्रहवीं शताब्दी में सेवेंटीन सेंचुरी में एक मलिक अंबर नाम के व्यक्ति हुआ करते थे ठीक है ना जो कि मंत्री थे सुल्तान ऑफ अहमदनगर के उन्हीं के द्वारा इस किले का क्या किया गया था निर्माण किया गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया निम्न से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जो लोग ज्योग्राफी पढ़ के आ चुके हैं उसको पता होगा कि जब लोग गंग, हम लोग गंगा रिवर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें इस बात की जिक्र की जाती है आपको बताना है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का क्या है इंडियन स्टार टॉर्टवाइज भारतीय स्टार कछुआ गैंगजेज शार्क गंगा शार्क गैंगजेज रिवर डॉल्फिन गंगा नदी डॉल्फिन या फिर गोल्डन मशीर इसमें से बताना है आपको कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का क्या है अब देखो जो गंगा रिवर है उसमें एक डॉल्फिन की प्रजाति पाई जाती है इसको हम गैनजेस डॉल्फिन कहते हैं ठीक है ना इसी को डिक्लेयर किया गया क्या चीज तो आप बताओगे नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको ध्यान रखना है और ये 2008 में डिक्लेयर किया गया था इसको ध्यान रखना है आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक गेम्स ऑफ 2020 थाउजेंड ऑनवर्ड्स निम्न में से किस खेल को पहली बार ओलंपिक खेल 2020 में शामिल किया जाएगा ठीक है ना ओलंपिक 2020 में किस स्पोर्ट्स को हम इंक्लूड करने जा रहे हैं इज इट ए जूडो इज इट बी पोलो इज इट सी डार्ट और इज इट सी कराटे ये बताओ आप लोग हम इसमें से किस स्पोर्ट्स को इंक्लूड करने जा रहे हैं ओलंपिक टू में यह क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कमोन गाइज गो फॉर द रिप्लाई फटाफट आंसर करो आप लोग तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाए कि कौन से गेम्स को हम इंक्लूड करने जा रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आप बताओगे डी ऑप्शन कराटे वॉट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक विद्युतीय परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एक इकाई आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज इट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इट द करेंट इज इट द पावर और इज इट द रेसिस्टेंस यह विभव अंतर है ये विद्युत है ये शक्ति है या फिर ये प्रतिरोध है ये बताना है आपको वॉट इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आप क्या बताओगे इसका आंसर हां जी देखो इलेक्ट्रिक करेंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रेट पर यूनिट है जिसका जिस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो करती है Resistance जो है है ये एक opposition होता करंट फ्लो का तो आंसर क्या हो जाएगा इट्स द पोटेंशियल डिफरेंस ए इज द करेक्ट आंसर क्लियर चलिए द फाउंटेन ऑफ वेल्थ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहां पर स्थित है इज इट ए सिंगापोर इज इट बी थाईलैंड इज इट सी सऊदी अरेबिया इज इट डी लंडन ये पूछा गया है फाउंटेन ऑफ वेल्थ इज लोकेटेड इन एट विच ऑफ द्लेसेस इज इट इज सिंगापोर दैन इज थाईलैंड सऊदी अरेबिया और इज इट डी लंडन फाउंटेन ऑफ वेल्थ क्विकली गो फॉर द आंसर आप ध्यान रखना ये कहां पर है सिंगापुर में इसे ग्रीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाइनटीन में

लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन की गति का तीसरा नियम किसका आंसर होगा किसका एग्जाम्पल होगा जब एक मंकी किसी ब्रांच ऑफ ट्री से सडनली फॉल कर जाए और वो ग्राउंड पे आके गिरे ये किसका एग्जाम्पल होगा हां जी रिस्पॉन्ड करें आप लोग क्विकली देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है किस चीज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का किस चीज का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इसको आपको ध्यान रखना है अगला सवाल यह है टेलेक्स टेलेक्स फॉर ऑफ द फॉलोइंग का पूर्ण रूप क्या है टेलीग्राम एक्सप्रेस टेली प्रिंटर एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज या टेलीकोमुनिकेशन एक्सचेंज व्हाट इज टेलेक्स टेलेक्स क्या है रिप्लाई करो आप लोग इसमें टेलेक्स क्या है यह पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है अगर टेलेक्स पूछा गया है तो आप बताओगे टेलीप्रिंटर एक्सचेंज है क्या है यह तो आप बताओगे टेलीप्रिंटर एक्सचेंज है यह वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन मार्च ट्वेंटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रत्येक वर्ष बीस मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है टू सेलिब्रेट द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पैरो गोरैया की बढ़ती संख्या का उत्सव मनाने के लिए सो सुप्रियोरिटी ऑफ बर्ड्स अन्य पक्षियों पर गोरैया की श्रेष्ठता दर्शाने के लिए इंक्रीज अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पैरो गोरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए या कमेमोरेट द बर्थडे ऑफ डॉक्टर सलीम अली या डॉक्टर सलीम अली का जन्म मनाने के लिए क्या होगा आंसर ये जो वर्ल्ड स्पैरो डे है ये मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है देखो हम किसी भी डे को जब कमेमोरेट करते हैं स्पेशली किसी एक्वेटिक एनिमल सॉरी एनिमल फ्लोरा फोना या किसी भी चीज से रिलेटेड तो उसके पीछे सिंपल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोगों के बीच में जागरूकता पैदा कर सके उस जीव या उस प्रजाति के संरक्षण के प्रति ठीक है ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी इसको ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा हम लोग एंकर एस एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन के वन ट्वेंटी डे मास्टर कोर्स को लेकर के आ रहे हैं सभी एस एस सी एग्जाम्स के लिए और ये कोर्स स्टार्ट हो रही है ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी को और इसकी वैलिडिटी वन ईयर है और इसका ऑफर प्राइस है टू फोर डबल नाइन अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हो ठीक है ना बीस दिसंबर दो हजार बीस के मिड नाइट तक इस पूरे कोर्स में कासिफ सर अमित सिसोदिया सर नेहा मैम जुबैर सर और रणधीर सर आप लोगों को गाइड करेंगे ऑब्वियसली मैं भी रहूंगा ही और साथ ही साथ हम लोग जी जीएस का एक स्पेशल कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी से और इस कोर्स की वैलिडिटी भी रखी गई है वन ईयर और इसका ऑफर प्राइस है एट हंड्रेड नाइनटी नाइन इसको ध्यान रखना है और ये यूजफुल है सीजीएलसी और ग्रुप डी के लिए और ये जो ऑफर है एट नाइन का ये दिसंबर तक इसमें सर सर मैं और सर, आप लोगों को पढ़ाएंगे ठीक है ना चलिए अगला सवाल ये है यूएन की जो रिपोर्ट होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे डज नॉट कंपेयर कंट्रीज ऑन विच बेसिस मानव विकास सूचकांक पर सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट किस आधार पर देशों की तुलना नहीं करती है इज इट ए नॉलेज ज्ञान के आधार पर कॉरपोरेट गवर्नेंस कॉरपोरेट सुशासन पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन स्तर पर या लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ लंबा और स्वस्थ जीवन होने पर इसमें से कौन सा पैरामीटर कंसिडर नहीं किया जाता है एच इंडेक्स को के ऊपर कंट्री को रेट करने के लिए यह बताना है आपको फटाफट पड़ बताइए तो आप ध्यान रखना है कि हम तीन पैरामीटर्स पे निकालते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और तीसरी होती है लिटरेसी इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है ये शामिल नहीं होगा और इस बार इंडिया की रैंकिंग कितने पर आ गई है तो आप बताओगे वन थर्टी वन पे है हम लोग आउट ऑफ वन एटी नाइन कंट्रीज ठीक है ध्यान रखिएगा इस लोग टिंडल इफेक्ट इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस प्रतिक्रिया से संबंधित है रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब स्कैटरिंग प्रकीर्णन डिस्पर्सन विक्षेपन या रिफ्रैक्शन अपवर्तन टिंडल इफेक्ट किससे रिलेटेड है ये बताओ नहीं नहीं ये बैच बिल्कुल अपने टाइम से स्टार्ट होगा कीर्ति जी उसमें कहीं दिक्कत नहीं है जो डेट फिक्स है जो टाइम फिक्स है हम लोग उसी पे इस बैच को स्टार्ट करेंगे बताओ आप लोग टेंडल इफेक्ट इसमें से किस पे होगा तो आप क्या बताओगे इट इज रिलेटेड टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट किससे रिलेटेड है स्कैटरिंग से

इट्स द टेंथ ऑफ ऑगस्ट टेंथ ऑफ ऑगस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन जनरल कैनॉट कंप्यूट सामान्य रूप में निम्नलिखित में से कौन गणना नहीं कर सकता इसमें हम किसको यूज किसका इस्तेमाल गणना के लिए मतलब काउंटिंग के लिए कह सकते तो कंप्यूटिंग के लिए नहीं करते हैं ए इज कंप्यूटर बी इज कैलकुलेटर सी इज प्रिंटर एंड डी इज मोबाइल फोन वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन फॉर टूडे फटाफट बताओ आप इसमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसको हम लोग कंप्यूटिंग में या गणना में इस्तेमाल नहीं कर सकते या कंप्यूटिंग के लिए प्रयोग नहीं कर सकते ये पूछा गया है इट्स वेरी सिंपल हम प्रिंटर को कभी भी किस चीज के लिए कंप्यूटिंग के लिए यूज नहीं करेंगे विच आईलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्नो ऑफ इंडिया कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आए एग्जाम में इज इट ए बैरन आइलैंड ज इट पी वाइपर इज इट सी ऑयस्टर और इज इट डी चार इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिए गए हैं तो आपसे ये पूछा गया है कि इसमें से कौन सा ज्वालामुखी जो, जो है वो एक और ये एशिया का भी आप कह सकते हो वन ऑफ द एक्टिव पे है साउथ एशिया में वेरी फेमस आप क्या बताओगे इट्स द बैरन आइलैंड जो आपको कहां पे है आप बताओगे अंडमान में फॉलोइ इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द अरावली माउंटेन निम्न में से कौन सी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है इज इट ए जारगा इज इट सी बी अचलगढ़ इज इट सी गुरुशिखर और इज इट सी शेर यह बताओ हाइएस्ट पीक ऑफ द अरावली आपको पता है अरावली का जो एक्सटेंशन है वो दिल्ली के आनंद पर्वत से और गुजरात के पालनपुर तक है और जो एन एच फोर्टी एट आप जो जाते हो बिल्कुल फॉलो करती है अरावली इसको. और इसकी एवरेज हाइट मात्र छ सौ मीटर के आसपास है बट जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है गुरु शिखर है जो कि सिरोही राजस्थान में है और इसी पे आपको मिलेगा माउंट आबू और ये दिलवारा जैन टेम्पल्स के लिए बहुत फेमस है और सेवनटीन ट्वेंटी टू मीटर क्या है इसकी हाइट है जॉर्जेज लमात्रे इज रिलेटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग जॉर्ज लमात्रे जो है वो इनमें से किससे संबंधित है बिग बैंग थ्योरी इलेक्ट्रिक करेंट डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियक एसिड और इज इट डी सोलर सिस्टम जॉर्ज एबे लमा इनका पूरा नाम है जॉर्ज एबेल और ये बेल्जियम में एक प्रिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले यूनिवर्स के उत्पत्ति का सिद्धांत दिया तो आप ध्यान रखोगे कि उस जो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसमें सबसे जो वाइड थ्योरी है वो कौन सी है बिग बैंग सिद्धांत तो ये एक ब्राजीलियन प्रिस्ट थे बेल्जियम नॉट सो नॉट ब्राजीलियन बेल्जियम से जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी को दिया था राइनोस्कोप ज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग राइनोस्कोप इनमें से किसकी जांच करने का एक उपकरण है इज इट ए ब्रेन मस्तिष्क इज इट बी आईज़ नेत्र इज इट सी नोज नाक और इज इट डी यानी कि कान आपको बताना है कि इनमें से किस चीज को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है राइनोस्कोप को एक होता है राइनोलॉजी आपने सुना होगा राइनोलॉजी के बारे में यह क्या होती है जो ईयर नोज और थ्रोट है इनके स्टडी को कहा जाता है ठीक है ना तो इसमें आपको ध्यान रखना है हम नोज के लिए यूज करते हैं किस चीज के लिए राइनोस्कोप को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की इन एन आईबीएम बी कंप्यूटर एक आईबीएम संगत कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन कौन सी एक मॉडिफायर कुंजी नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफायर की इज इट ए शिफ्ट इज इट बी कंट्रोल इज इट सी टैब डी द विंडोज की विच इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडिफायर, जो आईबीएम कंप्यूटर्स है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में ये ध्यान रखिएगा आप लोग चार्ल्स चार्ल्स लर्नेट फील्ड ठीक है ना और थॉमस वॉटसन इन्होंने मिलकर के इस सिस्टम को डेवलप किया और ध्यान रखना इसमें जो टैब है ये हम मॉडिफायर की के रूप में यूज नहीं करते नेक्स्ट क्वेश्चन ये है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द हिस्टोरिक सेंचुरी ऑफ माचू पिचू इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिचू कहां पर स्थित है इज इट ए जापान इज इट बी चाइना इज इट सी वियतनाम और इज इट डी पेरू ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वंडर्स है सेवन वंडर्स में हम इसको भी काउंट करते हैं मैचू पिचू को वन ऑफ द एंसियंट रूइ ऑफ द सिविलाइजेशन है ये वर्ल्ड में ठीक है ना और ये है कहां पे ये पूछा गया है आपको प्लीज गो फॉर द रिप्लाई क्विकली चलो एक हिंट देता हूं ये जहां पे है उसकी कैपिटल लीमा है तो आंसर क्या हो जाएगा इट्स द पेरू द कैपिटल इज लीमा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर इन नागालैंड नागालैंड में प्रत्येक वर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है इज इट बानेश्वर फेयर और बानेश्वर मेला इज इट बी हॉर्नबिल फेस्टिवल इज इट भगौरिया फेस्टिवल और इज इट सी बीशु, बीशूच इज अ ट्राइबल फेस्टिवल आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में नागालैंड में आपने अपने अपने प्रधानमंत्री को बहुत बार उस अटायर में देखा होगा और वहां जाकर के उन्होंने कई बार इस तरह के अटायर को पहना है जो हॉर्नबिल फेस्टिवल में लोग पहनते हैं जो कहाँ की फेस्टिवल है नागालैंड की तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेंट हेलेंस ये एक्टिव स्ट्रेटोवॉल है जो कहां पे लोकेटेड है माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो वॉल है जो इसमें से ए इंडिया बी जापान सी यूएसए एंड डी चिली आपको बताना है सेंट हेलेंस जो एक एक्टिव वॉलकैनो है वो कौन से लोकेशन पे है क्विकली गो फॉर द आंसर आप क्या बताओगे इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये पैसिफिक के रिंग्स ऑफ फायर में इंक्लूडेड है जहां पे मोर देन 160 एक्टिव वॉल्यून हम और हम पैसिफिक को रिंग्स ऑफ फायर क्यों कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्यूनो पूरे वर्ल्ड में उसी पैसिफिक रीजन्स में है डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित थे इज इट ए बेंगोली लिटरेचर इज इट बी एस्ट्रोनॉमी इज इट सी इकोलॉजी और इज इट डी पॉलिटिक्स प्लीज टेल मी अबाउट ध्रुव ज्योति घोष प्लीज गो फॉर द आंसर आप क्या बताओगे इकोलॉजिस्ट पारिस्थितिकी और आपको बताओ कि ऑगस्ट 2016 में सीबीके एम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द लुक हॉफमैन अवार्ड जो कि इकोलॉजी कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड में दिया जाता है ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनफर्ल्ड नेशनल फ्लैग एट अ स्टेडियम दैट वॉज फॉर्मरली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसे पहले किस स्टेडियम के रूप में जाना जाता था इज इट ए छत्रसाल इज इट बी इरविन इज इट सी हरबक सिंह और इज इट डी ताल कटोरा प्लीज गो फॉर द आंसर यह बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बताओ आप लोग आप लोगों ने एक स्टेडियम सुना होगा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तो जो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है ये अभी का नाम है और इससे पहले इस का नाम क्या रहा था तो स्टेडियम हो जाएगा लॉन्चर ऑफ इसरो का एक विरासत प्रक्षेपक कौन सा बन गया है इज इट एस एल भी इज इट जी एस एल भी इज इट पी एस एल न हैज बिकम अ लेगेसी लॉन्चर ऑफ द इसरो फटाफट आंसर करो आप लोग ध्यान रखना अगर एक लेगेसी लॉन्चर की बात की जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इट्स द ए एस एल बी दिस इज एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन टू थाउजेंड फोर सा लॉन्च द मैसेंजर स्पेस क्राफ्ट टू स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनट दो हजार चार में नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेजर स्पेस किया था इज इट ए सैटर इज इट सी प्लूटो और इज इट डी मर्की 2004 में जो मैसेंजर स्प्रेप स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया था वो इसमें से किस प्लानट के सर्फेस को स्टडी करने के लिए यह बताओ आप लोग मैसेंजर स्पेस क्राफ्ट किस प्लैनेट के सरफेस को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था आप क्या बताओगे इट्स द मोकरी डी इज द करेक्ट आंसर हु इज द ऑथराइज पब्लिशर एंड कस्टोडियन ऑफ द गैजेट ऑफ इंडिया भारत के राजपत्र के अधिकृत प्रकाशक और संरक्षक कौन है इज इट ए कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन प्रकाशन नियंत्रक सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय के सचिव चीफ कंट्रोलर ऑफ प्रिंटिंग मुद्रण के मुख्य नियंत्रक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन प्रकाशन विभाग के सचिव जो गैजेट होता है इंडिया का इसका कस्टोडियन कौन होता है इंडिया में अब देखो हमेशा आप वर्ड यूज करते हो कि गैजेट को पब्लिक सॉरी पब्लिश किया गया है तो जो पब्लिशर होगा तो जो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन होंगे प्रकाशन नियंत्रक जो होगा उनके कस्टोडियन में होता है क्या हमारा गैजेट ऑफ इंडिया द इंजिन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ज द ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड से किसका इंजन विश्व का सबसे पुराना कार्यरत स्टीम इंजन है इज इट ए फेरी पैलेस ऑन व्हील्स इज इट सी गोल्डन चैरियॉर्ड और इज इट डी महाराजा एक्सप्रेस ये बहुत आप कह सकते हो ये एक एंटीक चीज है हमारे लिए और इस इंजन को एटीन में क्या किया गया था तैयार किया गया था ये बताओ आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फेयरी क्वीन क्या बताओगे फेयरी क्वीन विच ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड नॉट बिलोंग टू साउथ इंडिया निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था इज इट ए पांड्या इज इट बी पाल राजवंश इज इट सी पल्लव और इज इट डी शातवाहन ये बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए इसमें से कौन सा डायनेस्टी जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था यह सवाल पूछा गया है जो ईस्टर्न रीजन से इंडिया का उसमें कॉलसी राजवंश थी स्थित तो बताओगे पाल राजवंश ये ईस्ट का था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया निम्न में से कौन सा भारत में बाघों की आबादी के लिए संकट नहीं है रिडक्शन इन अवेलेबल प्रे उपलब्ध शिकार में गिरावट कनेक्टिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोरस वन्यजीव गलियारों को जोड़ना हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन आवासीय खंडन या फिर कैटल ग्रेजिंग यानी कि मवेशी चारा चारा तो इसमें से कौन सा एक थ्रेट नहीं है टाइगर पॉपुलेशन के लिए इंडिया में देखो यह सवाल पूछा गया है आपसे फटाफट आंसर करो आप लोग अब एक चीज ध्यान रखना अगर यह पूछा जा रहा है कि कौन सा थ्रेट नहीं है टाइगर पॉपुलेशन के लिए इंडिया में तो आप सिंपल ध्यान अगर हम शिकार में गिरावट करते हैं तो थ्रेट थोड़ी नहीं तो अच्छी बात है अगर हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को कनेक्ट करते हैं तो यह थ्रेट हो सकता है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन तो इसमें आंसर ध्यान रखना है कलेक्टिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो है ये थ्रेट नहीं है ये थ्रेट नहीं है बाकी जितनी भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं क्या होगा तो आप बताओगे थ्रेट में काउंट होगा ठीक है बच्चों इसको ध्यान रखना है और एक बार फिर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा एंकर एस एस का बैच आ रहा है ये हंड्रेड डे मास्टर कोर्स है सभी एस एग्जाम्स के लिए और ये कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 21 दिसंबर 2020 से, विथ अ वैलिडिटी ऑफ वन ईयर ऑफर प्राइस ऑफ टू फोर डबल नाइन लेकिन ये प्राइस केबल और केबल आपको 20 दिसंबर के मिडनाइट तक वैलिड रहेगी और साथ ही साथ हम लोग जीए ए जी स्पेशल के कोर्स को भी स्टार्ट कर रहे हैं बाईस दिसंबर दो से इसकी वैलिडिटी वन ईयर है और ये इसका जो कोर्स भी है वो एट डबल नाइन है और ये कोर्स आपके लिए यूजफुल होगा एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल और, और ग्रुप डी के लिए बट ये जो ऑफर है एट नाइनटी नाइन का ये केवल ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर तक ही वैलिड होगी तो बच्चों ये था आज का जी एस सेक्शन अब रणधीर सर आपके सामने आएंगे और वो आपके मैथ्स के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे ठीक है ना तो थैंक यू सो मच गाइज बाय टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब चलिए तो अभी आपने जीएस का सेगमेंट कवर कर लिया है स्टार्ट करते हैं मैथ्स का सेगमेंट आपको पता है कि हम लोग कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बताओ थर्टी क्वेश्चंस तीस क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस करने वाले हैं ठीक है तो आप लोग तैयार होंगे कॉपी पे लेके तैयार हो जाओ फटाफट -फड़ तीस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और टाइमर स्टार्ट हर क्वेश्चन के लिए आपको तीस सेकेंड का समय मिलेगा ठीक है भाई जल्दी कीजिए फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने और आंसर कमेंट करना स्टार्ट किए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए फटाफट सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो भाई सभी लोग ग्रुप्स अपने सबसे पहला काम करो सेशन को शेयर करो और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास तीस सेकेंड है बताओ क्या आंसर आएगा क्वेश्चंस क्या होते हैं बहुत ही इजी होते हैं आसान होते हैं आपके क्वेश्चंस ठीक है चलिए और टाइमर हो गया आपका अब तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है A 90 ब्रिज इन मीटर पर विदेंड स्पीड फाइंड आउट लेंथ ऑफ द ब्रिज ठीक है एक 90 मीटर लॉन्ग ट्रेन जो है क्रॉस uh, अब एक ब्रिज को क्रॉस किया है अच्छा और लास्ट में पूछा फाइंड आउट लेंथ ऑफ द ब्रिज अच्छा कितने टाइम में क्रॉस किया है पंद्रह सेकेंड में क्रॉस कर दिया है अच्छा आप सभी लोग जानते हो बच्चों टाइम का फॉर्मूला क्या होता है टाइम होता है डिस्टेंस है, है? अच्छा, ट्रेन की लंबाई कितनी है नब्बे प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमने पी मान लिया डिस्टेंस ऐड हो गई डिवाइड बाय स्पीड हम सबको है? कि भैया ऐसा है प्लेटफॉर्म के पास कोई स्पीड होगी नहीं तो ट्रेन के पास जरूर होगी और ट्रेन की स्पीड कितनी है? बताओ फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड तो हमें उसकी स्पीड को यूज करना पड़ेगा फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन कितना आ जाएगा टू ट्वेंटी यहां से पी एक सौ पैतीस बी इज द राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड कीर्ति बहुत छोटा ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू टाइमर स्टार्ट पढ़िए सोचिए बताइए फटाफट सभी लोग फास्ट फास्ट पढ़िए चलिए क्वेश्चन पढ़ो इफ नंबर थ्री सिक्स सेवन इलेवन एक्स फिफ्टीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट आर इन असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में दिया हुआ है एंड देयर मीडियन इज थर्टीन व्हाट इज एक्स एक्स का मान ज्ञात कीजिए जल्दी करो फटाफट तीस सेकेंड हर क्वेश्चन के लिए ठीक है चलो अब देखते हैं ध्यान से भाई इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए समझो ध्यान से अच्छा तीन छह सात ग्यारह एक्स पंद्रह उन्नीस बीस पच्चीस अट्ठाईस आपको दिया गया है तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस नंबर है ठीक है तो क्या करोगे देखो दस नंबर अगर है तो हम लोग क्या करेंगे चार नंबर हमने इधर से ले लिए ठीक है और चार नंबर हमने इधर से ले लिए ठीक है अच्छा बताओ जो इनका मीडियन होगा मतलब जो एकदम एग्जैक्ट बीच वाली वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में आएगी भाई चार इधर चार इधर तो इन दोनों के बीच में अब इन दोनों के बीच में ही मीडियन आने वाला है तो हम लोग क्या लिखेंगे हम लिखेंगे x प्लस पंद्रह बटे दो बीच में ही तो आएगा ठीक है भाई x प्लस पंद्रह बटे दो बीच वाली वैल्यू होगी और वो दिया कितना गया है वो दिया गया है मीडियन कितना बताओ तेरा तेरा धुनी छब्बीस तो आप लिखोगे x प्लस पंद्रह बराबर कितना छब्बीस बच्चों तो x बराबर क्या है घटा दो तो ग्यारह सो ए इज द राइट आंसर क्लियर है वेरी गुड राजानाथ की वेरी गुड क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री टाइमर स्टार्ट जल्दी बताओ फटाक क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री पढ़िए तीस क्वेश्चन करने हैं चालीस से सत्तर तक ठीक है ट्रपेजियम इज अ क्वारेटर हुज समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी चार ऑप्शन दिए गए हैं सभी लोग फटाफट मोहन कोई बात नहीं बेटा चले जल्दी करो फटाफट टाइमर खत्म जो आंसर आ जाए कमेंट कर दो ठीक है थ्री टू वन चलो ट्रपेजियम क्या होता है ट्रपेजियम इस टाइप का एक फिगर होता है ठीक है बेटा? पैरल होती है, वो क्या होती है? होती है, समानांतर होती है चलो अब कहा देखो पहला ऑप्शन ऑल साइड्स आर इक्वल तो सरासर गलत है अपोजिट साइड्स आर इक्वल ये भी गलत है पैरल अपोजिट साइड्स ऑफ टू पेयर्स ठीक है दोनों साइड पैरल कोई जरूरी नहीं है क्या है पैरल अपोजिट साइस ऑफ वन पेयर बिल्कुल सही है सो डी इज द राइट आंसर ठीक है भाई मोहन कोई बात नहीं बेटा मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट हुआ है आ जाओ अगले क्वेश्चन पर टाइमर स्टार्ट जल्दी करो और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ठीक है बच्चों कुछ मॉक टेस्ट कर लीजिए आपको आइडिया लग जाएगा और ये सभी क्या है ये सब प्रीवियस ईयर पेपर है ध्यान रखो जो भी आपका चल रहा है ये डिक्टो प्रीवियस ईयर पेपर है ठीक है ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिजाइन नहीं किए किया तो भी लग रहा हो बहुत आसान है ऐसा आता है ठीक है ये प्रीवियस ईयर पेपर ही है आप खुद देख लीजिए क्या लेवल है ठीक है जल्दी कीजिए फटाफट सभी लोग चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है इफ टू बाई थ्री ऑफ वन बाई फोर ऑफ ए नंबर इज हंड्रेड तो मान लो नंबर एन है उसका कितना दो बटे तीन ठीक है और उसका कितना बताओ एक बटे चार ठीक है और ये बराबर किसके बताओ ये बराबर है सौ के तो मल्टीप्लाई कर दो तो एन इन ऊपर हो गया दो और नीचे चार आ गया बारह और ये बराबर किसके है ये बराबर है सौ के दो से काटो एक बार दो से काटो छह बार मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर कितना आ जाएगा वो नंबर आ जाएगा छ सौ ठीक है वो नंबर कितना आ जाएगा तो आपका यहां से छ सौ क्लियर है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर टाइमर स्टार्ट फटाफट वेरी गुड ठीक है ठीक है स्वैन कीर्ति वर्मा राजानाथ मोहन बहुत बढ़िया जल्दी करो क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव चालीस से सत्तर करना हम लोग तीस क्वेश्चन ठीक है और तीस क्वेश्चन करने में मुश्किल से तीस मिनट लगने चाहिए आप लोगों को यहां पर फटाफट तीस तीस सेकंड में करते जाओ बाकी तीस सेकंड बताता जाऊंगा तो थर्टी मिनट सेशन आपका हो जाएगा लगभग फास्ट कीजिए फटाफट चलिए क्या है क्वेश्चन अ शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 परसेंट पहले 20 परसेंट का डिस्काउंट है फिर 10 परसेंट का एंड रिसीव वन जीरो प्रोडक्ट मतलब इतने में बेचा है है ठीक फाइंड आउट द रियल कॉस्ट तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस कुछ था ठीक है पहला डिस्काउंट 20 परसेंट का है 20 परसेंट का डिस्काउंट है मतलब कितने में बेचा होगा 80 परसेंट में बेचा होगा ठीक है अगला डिस्काउंट 10 परसेंट का है तो 10 परसेंट का डिस्काउंट मतलब कितने में बेचा होगा नब्बे ने बेचा होगा और उसकी वैल्यू क्या है एक सौ आठ इतने में बेच दिया है 9, 4, कितना बताओ छत्तीस ठीक है और दस बचे कितना आ गया पचास बराबर क्या आ गया एक सौ आठ छत्तीस से काट दो कितना तीन बार मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट तो प्राइस कितना आ जाएगा पचास गुना तीन बच्चों क्या बताओ डेढ़ सौ कोई ऑप्शन है सो सी इज द राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड बहुत अच्छे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर टाइमर स्टार्ट जल्दी करो फटाफट फड़। पढ़ लो फाइव किलोग्राम सुगर हुज कॉस्ट प्राइज रूपीन पर के जी एंड टेन किलोग्राम टाइप ऑफ सुगर हुज कॉस्ट प्राइस एटीन पर के जी आर मिक्सड एंड सोल्ड एट रूपीज ट्वेंटी पर के जी फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जल्दी पढ़िए फटाफट पढ़ो सोचो बताओ दस सेकेंड में आंसर करो फास्ट फास्ट एकदम फटाफट एकदम उड़ा दो ठीक है जल्दी कीजिए फटाफट चलिए टाइमर खत्म ठीक है सबसे पहली बात भाई कि यहां पांच किलो शुगर है ठीक है और यहां पे क्या बताओ दस किलोग्राम शुगर है तो रेशियो क्या हो गया पांच से हो गया एक बार और पांच से क्या हो गया बताओ यहां पर दो बार ठीक चलो तो आप क्या करोगे पहले मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालोगे क्या बताओ मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस तो कैसे करेंगे क्या फॉर्मूला होता है एन वन ए वन प्लस एन टू ए टू डि एन वन प्लस एन टू तो आप लिखोगे एक गुना क्या बताओ पंद्रह ठीक है प्लस प्लस क्या आएगा दो दे रखा है और रेट कितना है अट्ठारह है ठीक है तो दो गुना क्या बताओ अट्ठारह तो एन वन ए वन प्लस क्या बताओ एन टू ए टू और डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू सो वन प्लस टू तो यहां से हो गया पंद्रह और प्लस अट्ठारह दुनिया कितना हो गया छत्तीस डिवाइड बाई दो और एक क्या बताओ तीन ठीक है तो जोड़ लो कितना हो गया या ऐसे ही कट कर दो तीन से क्या आ गया पांच और तीन से काट दो यहां से बारह बारह ठीक है क्लियर सबको आसान ठीक है वैसे जोड़ लो अगर छत्तीस पंद्रह जोड़ लिया जाए हम लोग तो कितना आ जाएगा इक्यावन तो डिवाइड कर दो कितना आ गया सत्रह तो जो रियल कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ चुका है सत्रह आ चुका है ठीक है अगर रियल कॉस्ट प्राइस सत्रह है ठीक है ये हो गया सत्रह का कॉस्ट प्राइस और बेचा कितने में है बीस में सत्रह का बेचा बीस का तो फायदा कितने का हुआ तीन का तो आप कहोगे तीन का फायदा हुआ है सत्रह पर इंटू क्या बताओ हंड्रेड सौ बटे यहां से क्या बताओ सत्रह परसेंट तीन सौ बटे क्या बताओ सत्रह परसेंट ठीक है चलिए तो इसको डिवाइड कर लो कितनी बार जाएगा पहली बार तो पॉइंट में आंसर आएगा ठीक है चलो डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा करना पड़ेगा लग रहा है सत्रह एक कम सत्रह क्या हो जाएगा बताओ तो तेरह एक ठीक है 130 ठीक है 17 सत्रह क्या होता है 119 ठीक है 119 से क्या बचा बच्चों 11 बचा ना 11 बचा 110 हो गया ठीक है और से अगर 110 हो गया तो 17 छ क्या हो जाएगा 102 लगभग तो 17.65 के एक बी इज द राइट आंसर तो 300 सौ बटे सत्रह ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है ठीक है भाई सबको क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर दो 900 सौ बटे इक्यावन परसेंट वो भी बिल्कुल सही है कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है उसको तो कट कर लेना आप लोग ठीक है आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर टाइमर स्टार्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 375 इफ वन नंबर इज डिवाइड बाय अदर वन देन 5 बाई थ्री रिमेन्स व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ो सोचो बताओ ठीक <coughs> है जल्दी कीजिए फास्ट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 375 इफ वन नंबर इज बाय बाय अदर वन देन 5 3 ठीक है तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे क्या होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 375 तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि a इंटू बी बराबर क्या है 375 सेवनटी फाइव ए इंटू बी क्या है बताओ 375 सेवनटी फाइव ए बी बराबर क्या है 375 सेवनटी फाइव इफ वन नंबर इज डिवाइड बाई अनदर नंबर मतलब a अपॉन क्या बताओ b a अपॉन बी तो कितना मिलता है तो फाइव बाई थ्री आपको मिलता है फाइव बाई क्या बताओ थ्री द स्मॉलेस्ट नंबर छोटा नंबर क्या है चलो भाई अच्छा अगर और बी का रेशियो है तो रेशियो बन गया ना फाइव और 3. तो बेटा इसको मान सकता हूं फाइव और इसे मान सकता हूं यहां सिंपली थ्री एकदम आसान भाषा में समझो तो यहां दिया गया है ए इंटू बी तो आप क्या लिखोगे आप लिखोगे फाइव एक्स ठीक है इंटू यहां से क्या लिखोगे थ्री एक्स ठीक है बराबर क्या है तीन सौ क्या बताओ पचहत्तर पांच दिया क्या आ जाएगा पंद्रह यहां से क्या बताओ एक्स बताओ थ्री फाइव तो एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा ये होगा थ्री सेवनटी फाइव डिवाइड बाई क्या बताओ? तो सॉल्व कर दो पंद्रह तीस, ठीक है? पंद्रह दूनी तीस हो गया आपका सात पचहत्तर पंद्रह पचहत्तर ठीक है ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर ट्वेंटी फाइव है तो एक्स बराबर बेटा क्या आ जाएगा पांच आ जाएगा एक्स बराबर पांच है तो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव और फाइव थ्री क्या आ गया फिफ्टीन तो संख्याएं होंगी पच्चीस और क्या बताओ पंद्रह ठीक है पच्चीस और क्या बताओ पंद्रह अच्छा पच्चीस और पंद्रह है तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताओ बी क्लियर है हा क्या पूछा गया आपसे छोटा पूछा गया स्मॉलेस्ट नंबर ठीक है हाँ फाइव बाई थ्री वो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी एट जल्दी कीजिए फोर्टी एट फास्ट सभी लोग द सम ऑफ द सैलरी ऑफ ए एंड बीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दे स्पेंड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ दियर सैलरी दियर सेविंग्स रेशियो इज फोर्टीन रेशियो इलेवन रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट दियर सैलरीज इन रूपीज ठीक है पढ़ो सोचो बताओ थर्टी सेकेंड्स आर मोर देन एनफ जल्दी कीजिए ए और बी की सैलरी का सम पचीस हजार है वो अपनी सैलरी का पचहत्तर प्रतिशत भाग खर्च कर देते हैं सेविंग का रेशियो दिया गया है तो पूछा गया है उनकी सैलरी का है? ठीक है मान लो ए की सैलरी ए है बी की सैलरी बी है ठीक है चलो अच्छा अगर दोनों ही पचहत्तर परसेंट पार्ट खर्च करते हैं तो बेटा इसका मतलब दोनों ही पचीस परसेंट भाग बचाते हैं अगर कोई पचहत्तर परसेंट खर्च कर रहा है तो पच्चीस परसेंट बचा रहा है ये भी बताता है पच्चीस परसेंट ये भी बचाता है पच्चीस परसेंट तो उनका रेशियो क्या है सेविंग का फोर्टीन बाई क्या बताओ इलेवन तो कट कर दो तो यहां से ए अपॉन बी आप लिखोगे बेटा वो भी क्या आएगा फोर्टीन बाई इलेवन मतलब उनके इनकम का रेशियो भाई ए और बी इनकम का रेशियो था चौदह और ग्यारह है और टोटल कितना है पच्चीस हजार जोड़ लो चौदह ग्यारह जोड़ के क्या हो गया पच्चीस और पच्चीस का मान कितना है पच्चीस हजार तो एक का मान कितना आ गया एक हजार अगर एक का मान एक हजार है तो चौदह का मान क्या हो जाएगा चौदह हजार और ग्यारह का मान क्या हो जाएगा यहां से ग्यारह हजार तो हो गया चौदह हजार और क्या बताओ ग्यारह हजार ए और बी की सैलरी सो बी इज द राइट आंसर आसान है क्लियर है वेरी गुड ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन चलो भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन जल्दी कीजिए देर आर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन इन एन एग्जाम फोर मार्क्स आर गिवेन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड टू मार्क्स आर डरेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर इफ सीमा स्कोर सेवेंटी मार्क्स हाउ मेनी क्वेश्चन डिड सी मार्क राइट ठीक है पढ़ो सोचो बताओ इसको लगाने के बहुत तरीके होते हैं आप लोग पता होंगे एलिगेशन लगा सकते हो एक्स मार्क लगा सकते हो जैसे करना है करो तीस सेकेंड में आंसर करो सभी लोग फटाफट चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे लगाएंगे चाहे एलिगेशन लगा लो चाहे एक्स लगा लो एक्स ही लगा देते हैं टोटल पच्चीस क्वेश्चन है टोटल पच्चीस क्वेश्चन है तो हम ऐसा मान लेते हैं कि उसमें से सही कितने हैं एक्स हैं ठीक है तो गलत कितने हैं बताओ वो हो जाएंगे ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स ठीक है ये सही वाले हैं ये गलत वाले हैं जब सही करेगा तो उसको चार नंबर मिलेंगे सही करने के लिए तो चार नंबर मिलेंगे हर एक को सही करने के लिए है वो एक्स, है वो ठीक अच्छा जब वो गलत करेगा तो दो नंबर कट जाएंगे ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा दो नंबर कट जाएंगे किससे ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स ठीक है तो इतना मिला इतने कट गए ठीक है और ये सब मिलाकर क्या है सत्तर नंबर है सत्तर पाया पाया पाई जो भी है ठीक है तो मल्टीप्लाई कर दो तो तो हो गया फोर एक्स माइनस क्या हो जाएगा पच्चीस दुनी पचास और ये क्या आ जाएगा प्लस टू एक्स बराबर क्या हो गया यहां से सत्तर चार और दो क्या हो गया छे एक्स जोड़ लो कितना हो गया एक सौ बीस ठीक है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा छह से भाग कर दो तो बीस मतलब तो जो करेक्ट थे वो कितने थे बताओ वो बीस थे ठीक है सो राइट आंसर इज ट्वेंटी बाकी इसको आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं दैट्स नॉट अ बिग डील ठीक है भाई वेरी गुड वेरी गुड ठीक है भाई चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए भाई फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग इसे तीस सेकंड का समय है बट टाइमर नहीं है कोई बात जल्दी कीजिए फटाफट फड़। फास्ट 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 एकदम एकदम जल्दी कर दो इसे बच्चों फिर से वही हुआ है आज ग्राफ को एक पीने डाला गया है चलिए तो देखते हैं इसको साथ साथ कर लेते हैं वो एक ही पे होना चाहिए बट है नहीं मेरे ख्याल से थोड़ा ये ज्यादा वो भी है ठीक है चलो देखते पहले क्या दिया गया है अकॉर्डिंग टू टेबल आंसर द द द टेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज दोसूजेन मार्क्स आर गिवेन अंडर वेरियस रेंज ठीक है ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ठीक है और ये क्या है किस रेंज में वो लाई करते हैं अच्छा मैक्सिमम मार्क्स कितना है इक्यानवे से सौ दे रहा है मतलब टोटल सौ नंबर का पेपर है किस किस रेंज में कितने बच्चे हैं उनके बारे में बात चल रही है ठीक है चलो पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोर मोर देन एट्टी परसेंट मार्क्स कितने प्रतिशत बच्चों ने अस्सी प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं बताओ भाई आपके सामने फिगर है कितने प्रतिशत बच्चों ने अस्सी प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं ठीक है चलिए देखते हैं भाई कैसे करना है बहुत आसान है कितने प्रतिशत बच्चों ने 80 से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं देखो अच्छा अस्सी से ज्यादा वाले में कौन है एक तो ये वाला है और एक आपका ये वाला है बोलो हाँ या ना भाई इक्यासी से नब्बे है जो अस्सी से ज्यादा वाला है ठीक है और एक क्या है नाइनटी वन टू हंड्रेड है बात समझ में आ रही है कंफर्म है ठीक है अब देखो यहां पर कितना बताओ यहां पर आपका चार है और यहां पे क्या बताओ तीन है तो जोड़ लो चार और तीन कितना हो गया बताओ यहां से सात चार और तीन कितना आ गया सात डिवाइड भाई डिवाइड भाई दिवाएड भाई साथ ही बच्चे तो हैं कितने में से कितने में से जोड़ लो इन सबको तो नौ पांच 14 नौ पांच क्या हो गया चौदह तीस हो गया बावन हो गया बावन छ अठावन बीस अठहत्तर हो गया अठहत्तर छियासी 96 हो गया एक सौ सात एक सौ तेरह एक सौ सत्रह एक सौ बीस ठीक है तो टोटल बच्चे कितने हैं टोटल बच्चे एक सौ बीस हैं ठीक है अच्छा इंटू क्या कर दो हंड्रेड कर दो तो बीस से क्या हो गया पांच हो गया और बीस से हो गया यहां से छे सात बचे पैतीस बटे छे तो छे पंचे तीस कितना बचा पांच बटे क्या बताओ छे सो फाइव होल फाइव बाई सिक्स यहां पे होगा ठीक है तो यही आपका आंसर है फाइव पॉइंट एट क्लियर भाई सबको आसान सा है हाँ, बिल्कुल बहुत मोहन चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे ठीक है फटाफट देख लो इसको इफ क्वालिफाइंग परसेंटेज इज फोर्टी वन देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट हुआफाई ठीक है बेटा आपको वापस जाना पड़ेगा ग्राफ पे चलिए थोड़ा तो अजीब दिया हुआ है कोई बात नहीं क्वालिफाइंग परसेंटेज फोर्टी वन है तो आपसे कह रहा है कि बताइए है, है? अच्छा परसेंट फिगर ठीक है, है? दे है तो अगर ठीक है, तो है इससे पीछे वाले क्वालिफाई नहीं किए होंगे पूछा गया परसेंट कितना है तो जोड़ लो इनको तो 9 5 क्या होगा 14 14 16 क्या हो गया 30 30 बाईस क्या हो गया बावन ठीक है तो आप यहां पे क्या लिखोगे बताओ यहां लिखोगे आप कितना फिफ्टी 52 टू क्वालिफाई नहीं किए हैं कितने में से 120 में से इन टू इसको सॉल्व करोगे तो 43 थ्री पॉइंट आएगा ठीक है तो अप्रॉक्सिमेटली हम उसको 43 मान सकते हैं बात समझ में आ रही है Confirm है कंफर्म बिल्कुल सो राइट आंसर इज सी आसान है बिल्कुल ठीक है आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर वट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु बिटवीन हुआ एंड सेवेंटी परसेंट इन सबको फटाफट देख लो क्योंकि ग्राफ पीछे है तो उसको आप नहीं कर पाओगे ठीक है बेटा इज़ द परसेंटेज़ ऑफ जेड हुन फोर्टी वन परसेंट सेवेंटी परसेंट इकतालीस परसेंट और सत्तर परसेंट परसेंट पूछा गया है या परसेंट पूछा गया ठीक है परसेंट पूछा गया है इकतालीस परसेंट और सत्तर परसेंट के बीच में ठीक है चलो देखो इकतालीस तो परसेंट और सत्तर परसेंट के बीच में सबको हटा दो पहले आराम से आ जाओ तो इकतालीस से सत्तर मतलब कौन सी रेंज है ये वाली रेंज है ठीक है ये वाली रेंज है कितने लोग हैं देख लो छब्बीस है अट्ठारह है और ग्यारह है छब्बीस अट्ठारह कितना हो 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 गया? गया? गया क्या क्या ये आपका बताओ? 55, और टोटल क्या है टोटल एक है सौ बीस और गुणा क्या आ गया बताओ यहाँ से सौ ठीक है तो पांच से कट कर दो पांच से हो गया ग्यारह और पांच से काट दो चौबीस दो से काट दो ठीक है चलो दो से काट दो, दो से काटने दो, दो दो, दो चार से काटने चार से काट दो तो चार से हो गया पच्चीस और चार से हो गया छह ग्यारह गुना पचीस ग्यारह पच्चीस पचपन का पांच हाथया पांच ग्यारह पांच सत्ताईस तो टू फाइव और बाई सिक्स। तो सॉल्व कर दो ठीक है छ चौक चौबीस तीन सत्ताईस पैंतीस छह पंचायत तीस पांच पैंतीस तो फाइव बाई क्या आ गया सिक्स सो फोर्टी फाइव होल फाइव बाई उसका आंसर आप कर सकते हैं आपका ये आंसर आ जाएगा ठीक है भाई चलिए आ जाते हैं आगे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अब यहां पर हाँ यहां से आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है लगाइए फिफ्टी थ्री फटाफट बिल्कुल मोहन वेरी गुड फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फटाफट करिए ठीक है टाइमर चल चुका है <coughs> <coughs> सॉरी जल्दी करो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स इज टू वन सिक्स जीरो एलसीएम कितना है 180 है एलसीएम कितना है 180 है ठीक है आपको निकालना क्या है बताओ फाइंड आउट द वो संख्याएं क्या होंगी ठीक है चलो देखते हैं ध्यान से अच्छा इसको करने के तो बहुत तरीके मुझे दिख रहे हैं यहां पर ठीक है अच्छा देखो अच्छो अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया है तो आप क्या कर सकते हो विदाउट पेन विदाउट पेन सेम पेपर का क्वेश्चन है तो एग्जाम में आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए थी ठीक है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है भाई एलसीएम है तो मैं इस बात को पकड़ के ही इस क्वेश्चन को खत्म कर सकता था यहां पर अच्छा एलसीएम क्या होता है जो भी संख्याएं होंगी वो LCM को कट जरूर करती हैं ठीक है बताओ 180 क्या बहत्तर से कट होता है नहीं तो बहत्तर तो हो ही नहीं सकता ठीक है अच्छा 180 क्या छत्तीस से कट होता है हा होता है छत्तीस गुना पांच साठ से भी होता है तो इसके सही होने की एक पॉसिबिलिटी है बाकी देख लेते हैं 185, 45 से करता है, हाँ करता है, 48 से कटता कटता है है नहीं कटता हटाओ इसको एक सौ अस्सी चौवन से नहीं कटता हटाओ इसको सो इज द राइट आंसर अरे बोलो या हाँ या ना या तो हम पूरा लिखें रेशियो लिखें टू डिजिट नंबर बनाए उससे आंसर आए और या हम विदाउट पेन भी इसको खत्म कर सकते थे क्या बात समझ में आ रही है तो एग्जाम में आपको अप्रोच पकड़नी है फास्ट बात समझ में आई ठीक है तो जो डेटा दिया है उसी बेस पे आप खत्म कर दो इस क्वेश्चन को बाकी इसको रेशियो बना के भी सॉल्व कर सकते हैं दैट नॉट नॉट अ बिग डील एलसीएम में आपने पढ़ा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग इस समय अप्रोच हम लोग वो ले रहे हैं जो एग्जाम में लेनी चाहिए फास्ट फटाफट जल्दी करो सभी लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन इफ टेन मैन कैन डिग अ कैनाल इन एट डेज देन हाउ मेनी डेज वुड बी टेकन बाई फिफ्टीन मैन बहुत आसान क्वेश्चन ठीक है इसमें तीस सेकेंड भी नहीं चाहिए दस आदमी जो है

आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट केवल पंद्रह सेकंड तीस सेकेंड तो बहुत है इसके लिए केवल फिफ्टीन सेकेंड देने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए पढ़ो पंद्रह आदमी किसी काम को दस दिन में करते हैं कहता है अगर दस आदमी और लगा दिए जाए तो वही काम कितने समय में होगा चो देखो ठीक है दस सेकेंड बहुत है इसके लिए पंद्रह आदमी किसी काम को दस दिन में करते हैं कहता है दस और आदमी और लगा दो तो पचीस आदमी हो जाएंगे कितने समय में करेंगे मल्टीप्लाई कर दो ये हो गया डेढ़ सौ डिवाइड बाई क्या आ गया तो पचीस क्या आ गया छे ठीक है भाई तो कितने में करेंगे बताओ ये छे में करेंगे सिंपल है आसान है वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट भाई नेक्स्ट क्वेश्चन टाइमर स्टार्ट ठीक है और केवल पंद्रह सेकेंड ये तीस सेकेंड का टाइमर दिया तो है बट पंद्रह सेकेंड बहुत है इसके लिए फास्ट कमेंट कीजिए फास्ट पंद्रह में समझाना स्टार्ट कर दूंगा चलिए पंद्रह हो गया इफ मैन लूजेस टेन परसेंट बाई सेलिंग एन ऑब्जेक्ट इन दिस मच अच्छा टेन परसेंट लॉस हुआ है उसको तो थ्री सेवन थ्री फाइव डिवाइड बाई क्या आ जाएगा नाइनटी क्योंकि टेन परसेंट का लॉस हुआ है ठीक है है के बेचना बेचना तो में पड़ेगा सिंपल है ये कर दो खत्म नौ से काट दो तो नौ चौक छत्तीस एक सैतीस तेरह नौ एक कम नौ चार तेरह पैतालीस नौ पचे पैतालीस ठीक है गुना कर दो ग्यारह से तो ग्यारह पचे पचपन का पांच हाथ आया पांच ग्यारह पांच सोलह का छ हाथ आया एक ग्यारह चौवालीस एक पैतालीस हो गया फोर फाइव सिक्स फाइव दस परसेंट का लॉस हुआ है दस परसेंट का फायदा चाहिए मतलब नब्बे का मान दिया है एक्स दस का मान चाहिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग केवल पंद्रह सेकेंड केवल पंद्रह सेकेंड फटाफट उससे टाइम नहीं मिलने वाला फाइंड द प्रिंसिपल मनी बिकम्स फाइंड द प्रिंसिपल मनी बिकम्स रूपीज थाउजेंड बाई एट परसेंट इलाम्पल इंटरेस्ट इन नाइन मंथ मतलब आपको प्रिंसिपल निकालना है बेटा वो आपको अमाउंट दिया गया ये क्या आपका अमाउंट है दे रहा हूं ये अमाउंट है आपको प्रिंसिपल निकालना है कितना होगा आठ परसेंट का सिंपल इंटरेस्ट है ठीक है और नौ महीने में निकालना है कितना होगा ठीक है चलो भाई ठीक है देखो ध्यान से कैसे करना है क्या करना है बताओ प्रिंसिपल मान लिया पी है इंटरेस्ट क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई हंड्रेड तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर अमाउंट अमाउंट कितना है हजार ठीक है भाई हजार है तो प्रिंसिपल चलो पी ही मान के रखते हैं प्रिंसिपल ही है रेट कितना है आठ है और टाइम क्या है नौ महीने ईयरली चेंज कर लो नौ बटे बारह हो जाएगा और डिवाइड क्या आ गया यहां से सौ डिवाइड बाई बराबर क्या आ गया यहां से हजार ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा तीन से काट दें तो तीन से हो गया तीन बार तीन से काट दो चार बार ठीक है और चार से काट दो दो बार और तीन दुनी छेगा तो पी प्लस क्या बताओ सिक्स पी और डिवाइड बाई हंड्रेड इज इक्वल टू क्या बताओ थाउजेंड बात में आ रही है आसान है ठीक है तो सॉल्व कर दो सौ क्या हो जाएगा एक सौ पी डिवाइड बाई क्या बताओ हंड्रेड इज इक्वल टू क्या बताओ यहां से थाउजेंड मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से हो गया एक सौ मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा एक लाख तीन दो पांच ठीक है तो पी बराबर क्या हो जाएगा एक लाख तीन चार पांच और बटे क्या बताओ एक सौ ठीक है तो कट कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा हाँ भाई क्लियर सबको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सबको समझ बात आ गई आराम से ठीक है चलो ओके सो so, आपका हजार से तो कम आएगा लगभग तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है उसको आप कट करके चेक कर सकते हैं ठीक है हाँ मोहन बिल्कुल बिल्कुल सही है ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग फटाफट करो फास्ट ठीक है जल्दी करो थीटा थीटा और डिवाइड बाई क्या बताओ कॉस द वैल्यू क्या वैल्यू होगी ठीक है जल्दी सोचो फटाफट फ़ड़, का समय है फास्ट एकदम प्रैक्टिस करो फास्ट एकदम फटाफट फ़ड़. ठीक है क्या आंसर आएगा चलिए देखते हैं अच्छा बोर्ड मास क्या कहता है बोर्ड मास कहता है, पहले कर लो. क्या कर लो डिवाइड कर लो तो हम लोगों ने लिखा यहां पर कॉस थीटा इंटू तो इसको डिवाइड कर लेंगे पहले तो मैं लिख सकता हूं इसको टेन थीटा और में क्या है यहां पर? थीटा यही तो है आराम से तो होता? होता, अपॉन में क्या है यहां से कॉस्टा थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस्टा अपॉन वन तो उल्टा कर लो क्या फर्क पड़ रहा है आराम देख लो अच्छा कॉशेक थीटा क्या होता है चलो पड़ा रह इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं थीटा हो जाएगा साइन थीटा उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा sin cos sin तो आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो गया कैंसिल तो यहां से आ जाएगा वन अपॉन क्या बताओ कॉस स्क्वायर थीटा वन अपॉन क्या बताओ कॉस स्क्वायर थीटा सो सी इज द राइट आंसर जल्दी बोलो भाई आसान है सिंपल है चलिए वेरी गुड आज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन पर फिफ्टी नाइन पढ़ो सोचो बताओ सभी लोग फास्ट फिफ्टी नाइन नंबर क्वेश्चन ये क्या बताओ प्रीवियस ईयर पेपर क्या कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर ठीक है चलिए जल्दी करो पढ़ो सोचो बताओ द एवरेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाई जेम्स इन मैथ साइंस एंड हिस्ट्रीज एट्टी नाइन ठीक है तीन सब्जेक्ट है मैथ

लैंग्वेज की वजह से एवरेज जो है एट्टी एट पॉइंट टू फाइव हुआ है एवरेज को एट पॉइंट टू फाइव करना है तो लैंग्वेज वाले को यह मानना पड़ेगा लेकिन अब ये क्या करेगा इसकी वजह से एवरेज कई लोगों का कुछ चेंज वेंज हुआ है ठीक है अगर मैथ साइंस और हिस्ट्री का एवरेज 89 है ध्यान सुनना मैथ साइंस और हिस्ट्री का एवरेज एट्टी नाइन है तो उसको क्या किया है इसकी वजह से ध्यान रखो इसकी वजह से उन सबका एवरेज घटा है क्योंकि पहले एट्टी नाइन था तो जो वैल्यू है वो 88.25 नहीं होगी क्या होगी उससे थोड़ी कम होगी क्योंकि उन सबको भी खींच के वहां तक लाएगी उन सबको कम करने मजबूर करेगी तो 89 से अगर 88.25 का डिफरेंस देखा जाए तो कितना है 0.75 है ठीक है तो एक बार 0.75 पहले सब्जेक्ट से एक बार 0.75 दूसरे सब्जेक्ट से होगा बोलो या ना ठीक है और एक बार तीसरे से भी होगा क्लियर सबको ठीक है मतलब अगर ये 88.25 होता तो एवरेज 88.25 होता है एवरेज लिया ठीक है बट इसी की वजह से इन सबका एवरेज कम हो गया कितना कम हुआ 0.75 0.75 0.75 तो घटा तो घटाओगे इन तीनों को जोड़कर इन तीनों को जोड़कर क्या आएगा 2.25 तो घटाओ तो कितना हो जाएगा 86 तो छियासी आपका आंसर है सी इज द राइट आंसर क्योंकि एट्टी होगा तो कहानी क्या बनेगी तो कहानी यह बन जाएगी कि आराम से आप घटा के वहां पहुंच सकते हो बात सबको क्लियर है कंफर्म है ठीक है अगर इतना होता तो 88.25 होता बट उससे कम है तो उन सबको खींच खींच के वहां पर लाया होगा बात समझ में आ रही है आसान है चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 60 मोहन शर्मा बिल्कुल बिल्कुल सिंपल फंडा है जल्दी पढ़िए तीस सेकेंड का टाइम है द एरिया ऑफ triangle, पेन तेज चलाओ तेज चलाओ फटाफट आंसर करो सोना नहीं है कोई कांसेप्ट क्लास नहीं है प्रीवियस पेपर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इफ एरिया ऑफ इक्वेट्रल ट्री फोर 24√3 थ्री देन फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कौन करेगा सबसे पहले चलिए टाइम हो गया ओवर आ जाओ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर इक्वेट्रल ट्राइंगल का और ये बराबर किसके है ट्वेंटी फोर रूट थ्री ये बराबर किसके है ट्वेंटी फोर रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री काट दो मल्टीप्लाई कर दो तो ए स्क्वायर बराबर चौबीस गुना चार कितना तो क्या हो जाएगा अंडर रूट नाइनटी सिक्स तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट सोलह गुना छह चार को बाहर निकाल लो तो फोर रूट क्या बताओ सिक्स अगर ए का मान फोर रूट सिक्स आ गया है तो पैरिमीटर क्या होता है पैरिमीटर हो जाएगा उसको तीन से गुणा कर दो तीनों साइड बराबर होती तो हो जाएगा ट्वेल्व रूट क्या बताओ सिक्स ये बन गया आपका पेरीमीटर सो डी इज द राइट आंसर सबको क्लियर है कंफर्म है वेरी गुड वेरी गुड ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग पढ़ो सोचो बताओ अरे सब क्वेश्चन मुश्किल से दस दस सेकेंड के हैं ये सब क्वेश्चन मुश्किल से दस दस सेकेंड के हैं मोहन शर्मा बेटा ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है ठीक है <laughs> पेपर हमने नहीं बनाया है एग्जाम वालों ने बनाया है। चलो देखो ठीक है तो पांच लीटर जो मिक्सचर है उसमें छह परसेंट सुगर है तो पांच का आप छे परसेंट निकाल दो तो यहां से क्या आ जाएगा यहां से आ जाएगा सुगर तो छह पंचे तीस बटे सौ मतलब क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री तो जीरो पॉइंट थ्री क्या है बताओ सुगर है ठीक है कहता है एक लीटर पानी जो है उड़ गया अच्छा एक अगर उड़ गया तो मिक्सचर क्या बचा चार बचा तो आप कहोगे जीरो पॉइंट थ्री सुगर बचेगा चार लीटर के मिक्सचर में और इनटू क्या कर दो हंड्रेड तो चार से काट दो पच्चीस पच्चीस पचहत्तर सेवन पॉइंट फाइव कहा दिया गया है बी इज द राइट आंसर हाँ भाई क्लियर है आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट फास्ट जल्दी करो हर क्वेश्चन के लिए आपके पास तीस सेकेंड है यू ऑल हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन और तेईस सेकेंड बहुत हैं आपको सॉल्व करने के लिए ठीक है पढ़ो सोचो बताओ द कॉस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ मशीन इज डिड अमंग मटेरियल लेबर एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर एंड द रेशियो वाज फाइव थ्री वन इफ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर वाज दिस व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द मशीन ठीक है देखो सबसे पहली बात भैया क्या क्या दिया है मटेरियल दिया है लेबर दिया है और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर दिया गया है रेशियो क्या है पांच तीन एक का है एक्सपेंडिचर वाली बात की जा रही इतनी है ठीक है तो ये रेशियो क्या है वन तो आप कहोगे वन का मान कितना है वन फोर नाइन फाइव डबल जीरो वन फोर नाइन फाइव डबल जीरो आपको निकालना क्या है प्राइस ऑफ द मशीन तो प्राइस ऑफ द मशीन क्या होगा टोटल हो जाएगा जोड़ लो पांच तीन आठ और एक क्या बताओ नौ कितना हो जाएगा नौ एक का मान ये है तो नौ का मान क्या होगा तो वन फोर नाइन फाइव डबल जीरो वन फोर नाइन फाइव डबल जीरो और गुणा क्या कर दोगे नौ गुणा क्या कर दोगे नौ चलो गुणा कर दो तो हो गया डबल जीरो नौ पचास पैतालीस का पांच हाथ है चार नौ नौ इक्यासी चार पचासी का पांच हाथ है आठ नौ छत्तीस छत्तीस आठ चौवालीस का चार हाथ है चार नौ एक चार तेरह जाएगा तो वन थ्री फोर फाइव फाइव डबल जीरो कहीं है ये आपका ठीक है भाई बी इज द राइट आंसर क्लियर सबको आज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री फास्ट फटाफट फास्ट कीजिए बताइए क्या आंसर आएगा सभी लोग फटाफट ठीक है इसके बाद आपके पास कितने क्वेश्चन बाकी हैं केवल सात क्वेश्चन फटाफट उसके बाद क्लास होगी रीजनिंग की चलो देखते हैं क्या है कैसे कॉस्ट ऑफ अ रजिस्ट्रेन फ्लैट इंक्रीज बाई फिफ्टीन परसेंट एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट कॉस्ट इज दिस मच देन फाइंड इट्स कॉस्ट आफ्टर टू ईयर्स चलो देखते हैं ठीक है अच्छा कितना है बताओ सिक्सटी लाख है ओके okay. सिक्सटी के बाद एक दो तीन चार पांच अच्छा कह रहा है हर साल पंद्रह परसेंट क्या होता है बढ़ जाता है तो पंद्रह परसेंट बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है एक सौ पंद्रह परसेंट हो जाता है एक सौ पंद्रह परसेंट और ये भी क्या हो जाएगा एक सौ पंद्रह परसेंट दो दो चार चार जिन खत्म कर दो ठीक है तो ये हो गया आपका छे सौ और गुना क्या बताओ एक सौ पंद्रह और गुना क्या बताओ एक सौ पंद्रह वास्तव में क्या हो जाएगा यह हो जाएगा छे सौ और गुना तो 115 का स्क्वायर हो जाएगा तो पांच का स्क्वायर पच्चीस और ग्यारह गुना बारह एक ठीक है तो और सॉल्व कर ले हो जाएगा डबल जीरो छः से कट कर दो छः से मल्टीप्लाई कर दो ठीक है ओके 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 चलो कर लेते हैं वैसे तो डबल जीरो छः पंचे तीस का शून्य चलो कर लो पंचे तीस का शून्य हाथ आया तीन छोनी बारह तीन पंद्रह का पांच हाथ आया एक छे दौनी बारह एक तेरह का तीन हाथ आया आता छेक सात, सेवन नाइन फाइव सेवन नाइन थ्री फाइव ठीक है ट्रिपल सो पढ़ो सोचो बताओ ये मुश्किल से दस सेकेंड का क्वेश्चन है दस सेकेंड का हैं आपके केवल दस सेकेंड आपको लगना चाहिए <laughs> मोहन सही है चो देखो अ मैन वॉक्स विद स्पीड ऑफ फोर किलोमीटर पर आवर फॉर थ्री आवर्स बताओ कितना डिस्टेंस गया होगा चार की स्पीड से तीन घंटे चला है तो डिस्टेंस कितना गया होगा बारह किलोमीटर डिस्टेंस कितना गया होगा बारह सेम डिस्टेंस मतलब बारह ही आया है कितनी स्पीड से सोलह से तो टाइम क्या लगा तो बारह किलोमीटर सोलह की स्पीड से इतना टाइम लगेगा इसको चेंज कर लो मिनट में तो हो जाएगा बारह बटे सोलह और हर घंटे में होते हैं साठ मिनट तो चार से हो गया तीन चार से हो गया चार चार से क्या हो गया पंद्रह तो पंद्रह तिया क्या आ जाएगा बताओ पैंतालीस तो टाइम क्या हो गया टाइम हो गया आपका फोर्टी फाइव मिनट सो ए इज द राइट आंसर ठीक है भाई चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव फास्ट फटाफट सिक्सटी फाइव जल्दी करो सौ अट्ठानवे और अठहत्तर का एच क्या होगा एक सौ आठहत्तर का एग्जाम में सोचो कैसे करोगे मुश्किल से पांच सेकंड में ठीक है एक सौ अट्ठानवे अठहत्तर का एच क्या होगा ठीक है चलो अब देखो एग्जाम में अगर मुझे करना होता तो मैं कैसे करता या तो मैं एच बैठ के निकालू फैक्टर मेथड से या डिवीजन मेथड से किसी से निकालू या बेस्ट है मैं थोड़ा दिमाग चलाऊ एग्जाम मुझे आंसर करना है दिमाग क्या चलेगा देखो क्या बच्चे Uh, सर आपका मैथ का सेपरेट वाला एंकर वाले बैच से अलग है क्या हां बेटा बिल्कुल अलग है ठीक है चलिए ठीक है मतलब वो बैच क्या बताओ आपका एस एस सी सी डी एस सभी मैथ्स के लिए बिल्कुल है ठीक है अगर आप एंकर बैच ले रहे हो तो मैथ्स को मत लेना क्योंकि आपको अच्छी खासी कंटेंट वहां मिलेगा किसी एक बैच को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ठीक है सेपरेट मैथ करना है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए पूरा बैच करना है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए ठीक है चलो क्या करना है आपको एस सी एफ निकालना है अच्छा एच सी एफ निकालना है तो मैं एस सी एफ निकालने नहीं जा रहा। मुझे पता है कि एच सी एफ जो है उन संख्याओं को कट करता है उन संख्याओं को कट करता है ठीक है और दोनों कट करेगा ठीक बताओ अच्छा बताओ हो, क्या आठ आंसर होगा मैं कहूंगा नहीं होगा क्यों क्योंकि अठहत्तर आठ से नहीं कटता ठीक है एक भी नहीं कटा कहानी खत्म ठीक है अठहत्तर क्या नौ से कटता है आठ सात पंद्रह नहीं कटता लगा दो डिविजिलिटी रूल अठहत्तर क्या छह से कटता है चांस है अठहत्तर सात से नहीं कटता तो यही सही है खत्म निकाल के देख लो तब भी छह ही आएगा बात कंफर्म है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी कीजिए फटाफट फास्ट जल्दी पढ़ो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटी क्या कह रहा है केवल दस सेकेंड केवल दस सेकेंड चलो टाइम ओवर द अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता एवरेज बीस इंफेक्शन का फिफ्टीन है बाद में यह देखा जाता है कि चौबीस को गलती से बयालीस पढ़ लिया गया था तो बताइए करेक्ट मीन क्या है इसको आप एवरेज कंसेप्ट भी लगा सकते हो या सिंपली जोड़ के ही सॉल्व कर लो ठीक है चलो 20 इंस्पेक्शन ध्यान रखो 20 इंस्पेक्शन का एवरेज कितना है 15.5 तो 20 इंस्पेक्शन का सम कितना हो जाएगा 15.5 पॉइंट फाइव बीस ठीक है तो जाएगा 155 क्योंकि हक खत्म हो जाएगा 155 सौ पचपन गुना दो कितना हो जाएगा 310 कितना हो जाएगा 310 बाद में यह देखा जाता है फाउंड दैट लेटर 24 फोर वॉज रेड एट फोर्टी मतलब 24 को 42 पढ़ लिया गया ठीक है अच्छा अगर 24 को 42 पढ़ लिया गया है तो क्या करना पड़ेगा ध्यान रखना चौबीस को अगर बयालीस लिख दिया गया है तो क्या करना पड़ेगा बताओ भाई बयालीस से चौबीस पे आना पड़ेगा मतलब क्या घटाना पड़ेगा अठारह घटाना पड़ेगा तो आप घटा दो तो आप लिखोगे तीन सौ दस माइनस अट्ठारह घटा दो और संख्याएं कितनी है बताओ बीस है ठीक है तो घटाओ क्या होगा दस गया और आठ गया तो आठ क्या हो जाएगा टू नाइनटी टू यही होगा ना बटे क्या बताओ बीस तो दो से काट दो तो दो से क्या आ जाएगा तो दो से जाएगा चौदह चौदह अट्ठाईस एक उन्तीस बारह छक बारा तो जाएगा फोर्टीन पॉइंट क्या बताओ सो सी इज़ द राइट आंसर क्लियर है सिक्सटी सेवन सिक्सटी सेवन सभी लोग फटाफट नए नए चांस कोई कमी नहीं रहेगी अगर आपने फाउंडेशन ले लिया है बात खत्म ठीक है पूरा मिलेगा आपको कंसेप्ट टेंशन मत लो जल्दी पढ़ो भाई तीस सेकंड क्वेश्चन है ए की पावर माइनस टू प्लस वन और इंटू ए स्क्वायर माइनस वन माइनस ए स्क्वायर का मान क्या होगा चार ऑप्शन दिए गए भाई जल्दी करो फटाफट करो इसके बाद तीन क्वेश्चन आपके और हैं फिर स्टार्ट होगा रीजनिंग सेक्शन चलो ए की पावर माइनस टू मतलब ये क्या होता होता है है बेटा ये होता है वन सिंपल सी लिखा वन, वन। इंटू क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस वन इंटू क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस वन और माइनस यहां से क्या आ गया ए स्क्वायर चलो सॉल्व कर लो तो ऊपर हो जाएगा क्या बताओ ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा ऊपर जाके ठीक है भाई ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा लिख देता हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस वन और डिवाइड बाई क्या बताओ हूँ ए स्क्वायर अच्छा ए स्क्वायर माइनस वन से ऊपर मल्टीप्लाई भी है तो साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर लो ए स्क्वायर माइनस वन से और माइनस क्या दिया गया है ए स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर क्या होगा ए की पावर फोर इसका क्या होगा वन और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस क्या होता है यहाँ से ए स्क्वायर तो आप क्या करोगे इस वाले को सिंप्लीफाई कर लो तो ए की पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा वन अपॉन ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर तो है ही ये खत्म तो क्या आ गया माइनस वन अपऑन ए स्क्वायर सो सी इज द राइट आंसर ठीक है भाई सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो अगर क्लियर है तो ठीक है आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट बहुत फास्ट फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है

और ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत आसान आते हैं आप पूरा तोड़फोड़ करके एग्जाम में आ सकते हो ठीक है चलो भाई आ जाओ चले देखते हैं अ 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस इलेक्ट्रिक पोल इन एट सेकेंड बताओ इसकी स्पीड क्या होगी देखो पोल को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो वास्तव में अपनी ही डिस्टेंस को क्रॉस करती है ठीक है तो आप क्या लिखोगे 250 मीटर ठीक है और कितने बताओ? 8 में बताओ आठ सेकंड में क्या आ गई ये ट्रेन की स्पीड आ गई ठीक है इफ इट टेक्स 20 सेकेंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म देन फाइंड द लेथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ठीक है 20 सेकेंड लेती है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में ठीक है 20 सेकेंड लेती है किसी प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म ठीक है अच्छा स्पीड कितनी है 250 फिफ्टी बाई एट डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी अरे 250 फिफ्टी बाई एट और इंटू क्या बताओ बीस सेकेंड बीस सेकेंड ना प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में ठीक है सुनना ध्यान से ये डिस्टेंस की बात कर रहा हूं कुल कितना दूर चला तो सॉल्व कर लो भैया तो कितना कट जाएगा अच्छा ठीक है तो चार से काट दो पांच चार से काट दो कितना दो, सही है दो से काट दो एक सौ पचीस और गुना पांच क्या आ गया बताओ यहां से छ सौ क्या बताओ पच्चीस ठीक है ध्यान समझो ठीक है लेकिन 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 ठीक है अच्छा बताओ छह सौ पच्चीस जो कुल दूरी तय की गई है उसमें से ढाई सौ मीटर लंबी क्या बताओ तो ट्रेन ही है ठीक है तो ढाई सौ को आपको कम करना पड़ेगा ना तो कितना आ जाएगा तीन सौ पचहत्तर तो क्या आ जाएगा थ्री सेवन उसने पूछा है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म स्पीड इन टू टाइम से क्या आ गया डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब कुल तय की गई दूरी और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म की क्रॉस करेगी ट्रेन की ढाई सौ है तो प्लेटफॉर्म की थ्री सेवनटी फाइव हो जाएगी क्लियर है आसान है आ जाइए लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और इसको करो मुश्किल से पांच सेकेंड में मुश्किल से पांच सेकेंड खत्म 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 पढ़ते ही खत्म है एस सी एफ ऑफ टू नंबर फोर दो संख्याओं का एस सी एफ चौबीस है, से कौन इसका LCM हो सकता है? SCF जो है बेटा वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड पूरा करता है तो 118 क्या 24 से कटेगा नहीं कटेगा 144 कट जाता है तो इसके चांसेस 128 नहीं कटेगा 136 नहीं कटेगा तो खत्म अरे बोलो हाँ या ना तो मुश्किल से पांच सेकंड में आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं तो आप मान के चलो कोई भी क्वेश्चन पांच सेकंड और दस सेकंड से ऊपर नहीं है आपका एग्जाम में ठीक है और ये आपका प्रीवियस पेपर ही है, ठीक है बच्चों? चलिए। अब आपका होगा इसके बाद किसका सेक्शन बताओ रीजनिंग का सेक्शन नियम आने वाली है बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में

हेलो एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक वंस अगेन तो नेक्स्ट थर्टी क्वेश्चन के लिए आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ दिस इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करें और बताइए इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके कौन सा नंबर करेक्ट आंसर होगा जल्दी से आंसर शेयर करें स्टूडेंट इनके बीच का डिफरेंस देख करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं तो अगर नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप यहां पर लिखेंगे सिक्स से ट्वेल्व अगर आप देखते हैं तो आप प्लस सिक्स करें देन आप प्लस एट करते हो देन आप प्लस टेन चल रहा है तो अगले में डेफिनेटली आप प्लस ट्वेल्व करोगे और थर्टी प्लस ट्वेल्व करने से हमारे अगला जो नंबर आएगा नेक्स्ट वो फोर्टी टू आ जाएगा विच इज़ प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी ओके तो केवल डिफरेंस uh, पर बेस्ड uh, ये क्वेश्चन है इससे ज़्यादा यहाँ पर इसमें और कुछ भी नहीं करना नेक्स्ट डिफरेंस फिर फोर्टीन का अगला डिफरेंस फिर आपका सिक्सटीन का हो जाएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन लिया गया है जिसमें एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट uh, करते हुए एक पर्सन एक दूसरे व्यक्ति का इंट्रोडक्शन दे रहा है जिसमें दिया है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ गर्ल राजीव सेट दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर सो हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू राजीव राइट यूर आंसर्स सिस्टर ओके करेक्ट आंसर उमेश यहाँ पर हम बैक ट्रैकिंग से इसे सॉल्व कर सकते हैं माई सिस्टर्स ब्रदर्स फादर तो ये माय शब्द राजीव ने अपने खुद के लिए यूज़ किया है तो राजीव के सिस्टर के ब्रदर का फादर राजीव का फादर होगा ठीक है इसकी ये डॉटर है तो ऑब्वियसली इसकी सिस्टर होगी करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टर विच इज ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तो पांच लोगों की इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है जिसे आपने अरेंज करना है एंड देन आपको बताना है कि लाइन में शुरुआत में कौन है योर टाइम स्टार्ट्स नाउ प्रियंका वेरी करेक्ट आंसर वेरी करेक्ट आंसर उमेश तो दो सिचुएशन बन सकती है यहाँ पर जब आपको इन्फॉर्मेशन दिया है प्रियंका स्टैंडिंग हेड ऑफ़ रियान तो आप प्रियंका को यहाँ रख दो आर इधर कहीं आ जाएगा सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रियान एंड आशा तो ऑब्वियसली uh, सुनील आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आशा और इसके बीच में है देन रियान इज स्टैंडिंग बिटवीन सुनील एंड मेरी तो ये भी आंसर नहीं आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो तो इन्फॉर्मेशन चाहे आप इधर रखो लोगों को या इधर रखो सबसे शुरुआत में प्रियंका ही आएगा जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है अगर आप पूरा का पूरा अरेंज नहीं भी करना चाहते तो उस तरीके से कैंसल कर सकते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चार वर्ड दिए गए हैं एक ग्रुप से अलग है बताए कौन सा गुड आफ्टरनून गुड टू सी यू हेयर स्टूडेंट बताइए आंसर शेयर करिए आंसर अपना लिखें क्या होगा डिजिटल कैमरा एग्जैक्टली exactly, आंसर डिजिटल कैमरा होना चाहिए क्योंकि इसके अलावा बाकी आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो लेकिन इसे नहीं तो ये ग्रुप से अलग है हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नेक्स्ट एनॉलोजी uh, पर बेस्ड क्वेश्चन है वर्ड एनॉलॉजी का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन क्योंकि ट्रांसलेशन भी दिया है इसलिए कोई मुश्किल आपको नहीं होनी चाहिए बताइए इसका आंसर क्या होगा ब्लैंट एंड शार्प ब्लैंट एंड शार्प एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं विलोम शब्द वेरी राइट वेरी करेक्ट स्टूडेंट तो यहां पर विपरीत शब्द आप फाइंड आउट करोगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एक कंपैरिजन का क्वेश्चन है कंपेयर करिए और आंसर शेयर करिए ऑप्शन ए आप बता रहे हो तो इंफॉर्मेशन दिया है मोहन के बारे में टॉलर देन रोहन बट शॉर्टर देन फरहान ओके अगली इंफॉर्मेशन है कानन इज शॉर्टर देन मोहन बट टॉलर देन रोहन तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा राइट right? एंड शंकर इज टॉलर देन रोहन एंड फरहान बोथ तो यहां पर आएगा तो हमसे पूछा ये था कि टॉलेस्ट कौन है टॉलेस्ट है शंकर ऑप्शन सी में हमें दिया गया है आंसर इज ऑप्शन सी ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर योर आंसर क्विकली स्टूडेंट ये बहुत आसान क्वेश्चन है 20 सेकेंड भी ज्यादा है इन क्वेश्चन के लिए और ऐसे क्वेश्चन आरआरबी आर में पूछे जाते हैं तो इनके आंसर्स ठीक तरीके से दो अगर इस लेवल को आप कर पा रहे हो तो आर आरबी के हिसाब से परफेक्ट है हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है टेटोस्कोप आपका आंसर ऑप्शन सी होगा एज टीचर इज रिलेटेड टू बुक तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट वेरी नाइस अगला क्वेश्चन नंबर्स दिए हैं इनमें से एक गलत है ऑड वन आउट है तो वो कौन सा है सिक्सटी एट ओके रोहन बट सिक्सटी एट कोई कारण होगा सिक्सटी एट के पीछे लक्ष्मी ऑप्शन सी एटी ओके okay. सिक्सटी एट नहीं स्टूडेंट देखो अगर आप ऐसे भी देखो ट्वेंटी एट 68 फोर सिक्सटी एट और 92 टू ये चारों फोर के मल्टीपल हैं हाँ डिफरेंस भी करोगे तब भी ऐसा नहीं आएगा अगर आप डिफरेंस भी लिखोगे ना तो आंसर सेम ही आना चाहिए ठीक है यहाँ पर अगर प्लस 14 आप कर रहे हो तो यहाँ प्लस 14 करोगे तो 80 नहीं आएगा है ना डिफरेंस आप बोल रहे हो मुझे तो प्लस फोर्टीन बोल रहे हो आप लेकिन डिफरेंस प्रॉपर चेक कर लो प्लस है या कुछ और है दूसरी बात अगर आप इसको फोर से डिवाइड भी करते हो या मैं कि ये फोर का मल्टीपल है ये 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 भी 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 तो 84 का मल्टीपल नहीं है तो ये ग्रुप से अलग हो गया ऑड वन आउट हो गया ये ऑप्शन सी यहां पर आंसर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग का क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन आप वैल्यू फिक्स करोगे और आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा हाँ उमेश बोल सकते हैं फोर से डिवाइड करोगे तो प्राइम नंबर ही आता सेवन इलेवन ट्वेंटी थ्री है ना करेक्ट सेवेंटीन भी था शायद बीच में ट्वेंटी फाइव ओके चलो देखते हैं तो क्या करना है न्यूमेरिकल प्लेस वैल्यूज का एडिशन तो सी की रैंकिंग थ्री ओ फिफ्टीन पर और डब्ल्यू ट्वेंटी थ्री पर इधर पर जी सेवन ओ फिफ्टीन ए वन और टी ट्वेंटी तो ऐसे ही डी के लिए फोर ओ फिफ्टीन और जी सेवन है इन सब का एडिशन आप कर दो फोर प्लस फिफ्टीन प्लस सेवन आपका आंसर ट्वेंटी सिक्स निकल के आएगा जो ऑप्शन डी में दिया है ट्वेंटी सिक्स विल बी दी आंसर करेक्ट ओके अगला क्वेश्चन करते हैं पढ़िए आराम से इस पर बेस्ड तीन क्वेश्चन है स्टूडेंट अगर इसे सॉल्व करोगे तो अगले दो भी आसानी से सॉल्व होते जाएंगे इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है ये एक साथ आता है क्वेश्चन कल भी हमने पेपर किया था तो उस पर भी आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन था ठीक है ट्वेंटी सेकेंड से ज़्यादा वक्त अगर लेना चाहो तो ले सकते हो क्योंकि अगले दो क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड है तो उन दोनों का टाइम भी ऐड कर लो इससे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स ओके लक्ष्मी तो एक काम करें यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो वो स्टूडेंट जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं तो टोटल फोर्टी यहां पर दिए हैं तम आपको 28 तमिल के लिए दिए हैं 30 तेलुगु के लिए दिए हैं तो 30 प्लस ट्वेंटी एट माइनस फोर्टी कर लेते हैं है ना 58 एट माइनस फोर्टी तो दोनों के लिए 18 आ जाएगा ठीक है अब हमसे पूछा था हु कैन स्पीक ओनली तमिल तो तमिल में यहाँ पर कितने थे 28 थे तो अगर टोटल तो, तो, तो 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 आपको 28 दिए हैं तमिल के लिए तो ओनली तमिल में ये वाले बोथ वाले हटाओगे आप ट्वेंटी एट तो हमारा आंसर टेन आएगा जो ऑप्शन बी में दिया है हाँ तो इस क्वेश्चन का आंसर ओनली पूछा है ना आपसे केवल तमिल बोलने वाले आपने दोनों निकाल लिए बोथ। बोथ अगर 18 18 है, तो तो ये 18 उधर भी तो शामिल होंगे तमिल और तेलुगु में भी तो ओनली वाले के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे ना इसको ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड दोबारा से क्वेश्चन केवल चेंज हुआ है तो पूछा है हु कैन स्पीक ओनली तेलुगू तो आपने बोथ ऑलरेडी निकाला हुआ है टोटल तेलुगु स्पीकर थर्टी है तो आप बता सकते हो कितना होगा सिंपल थर्टी माइनस थर्टी माइनस एटीन ट्वेल्व करेक्ट है बिल्कुल सही है ओके अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट इसने पूछा है बोथ तो बोथ तो हमने सबसे शुरुआत में निकाला था बताइए कैन स्पीक बोथ तमिल एंड तेलुगु ये तो आपने सबसे शुरुआत में बिगिनिंग में आपने ये सॉल्व किया था जो दोनों में है एटीन एग्जैक्टली exactly. तो आंसर इज ऑप्शन सी वन कपिल वन क्या है एटीन होगा हाँ ठीक है चलो हो गए यहां तक सॉल्व आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर एटी थ्री सर्कल का रिलेशन सर्कम से दिया गया है वृत्त परिधि से जैसे संबंधित है तो स्क्वायर कैसे रिलेटेड होगा क्या होना चाहिए साइट एरिया पैरिमीटर डायगोनल, भुजा क्षेत्रफल परिमिति या परिमाप भी जिसे बोलते हैं हिंदी में या विकर्ण साइड नहीं होगा सर्कम क्या होता है बताओ परिधि आप जैसे बोल रहे हो सर्कम क्या होता है टोटल आप कैलकुलेट करते हैं ना तो यहां पर पैरीमीटर होना चाहिए ना परिमाप या परिमित लिखा हुआ है परिमाप शायद बोलते हैं मैंने परिमाप ही मुझे ध्यान आ रहा है हो सकता है ये भी एक वर्ड है तो आंसर यहां पर ऑप्शन सी बनेगा जैसे वैसे पैरीमीटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग का क्वेश्चन है और क्योंकि आपको इसके लिए डिजिट दिया है और फिर एक और वर्ड के लिए डिजिट दिया है हमसे जो पूछा है इसके लेटर ऊपर ही है आराम से चेक करो उठाओ और वैल्यू पुट कर दो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है सिर्फ टू पाई आर हाँ टू पाई आर ही होता है चलो इसे बताओ वैल्यू फिक्स करनी थी बी आंसर ऑल राइट वेरी राइट तो सी के लिए आपको दिया हुआ है ये सी ए है तो सी की पोजिशन पर फाइव रखोगे आप ठीक है ए के लिए आपको दिया हुआ है वन uh, तो यहाँ वन ही रखोगे एन के लिए हमें एट दिया है ए के लिए अगेन हमें वन दिया है इधर भी वन और डी uh, की पोजिशन पर है नाइन तो फाइव वन एट वन नाइन वन हमारा आंसर है विच इज़ एन ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है आपका आगे बढ़ते हैं इनर एस इफ यू ओवरटेक द लास्ट बट वन कंटेस्टेंट एट वट पोजिशन यू आर येस आई नो यू आर रेगुलर स्टूडेंट स्टूट आई नो जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे टॉपिक वाइज रीजनिंग की वो दस बजे होती है स्टूडेंट टेन ए एम मॉर्निंग में सैटरडे uh, को टेस्ट होता है ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन का पी वाई एस पी से स्टार्ट किया हमने प्रीवियस ईयर से सी जी एल के तो मंडे टू सैटरडे टेन ए एम आपको रीजनिंग की क्लास अटेंड करनी है ऑनलाइन बेंचेस एस एस सी एंड रेलवेज यूट्यूब चैनल पर ठीक है हाँ दस ए दस बजे इसका आंसर क्या है ऑप्शन बी ऑप्शन ए थर्ड फ्रॉम लास्ट और कपिल सेकेंड फ्रॉम लास्ट यह है लास्ट आखिरी व्यक्ति और यह है लास्ट बट वन लास्ट से दूसरा लास्ट बट वन होता है है ना अंतिम से पहला तो आप लास्ट हो आपने इसको ओवरटेक किया तो ये यहां हो गया आप इधर आ गए तो आप सेकेंड लास्ट ही तो हुए ऑप्शन ए समझ आया क्वेश्चन ये आप आखिरी थे और ये लास्ट बट वन था आप इससे आगे निकल गए तो ये लास्ट हो गया तो आप सेकंड फ्रॉम लास्ट हो गए ठीक रिपीट करना है आ गया समझ में अभी सोचो so, मैं लास्ट हूं मुझसे आगे ये एक पर्सन है ठीक है मैं की जगह पे आई तो ये तो पीछे चले गया ना लास्ट तो मेरी पोजिशन सेकेंड फ्रॉम लास्ट हो गई क्लियर बहुत से लोग उसमें थर्ड फ्रॉम लास्ट मार्क कर देते हैं अच्छा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसे अरेंज करो ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा सी सी आई टी आर के ई सब बातों का खेल है हाँ ऐसा ही है कुछ चलो बताओ इसे इसे अरेंज करके बताना कि फिफ्थ लेटर लेफ्ट एंड से कौन सा होगा क्रिकेट बनेगा वेरी राइट तो सी आर आई सी के ई टी और लेफ्ट से आप फिफ्थ पोजीशन पर देखोगे तो के आएगा वेर इट इज इन ऑप्शन बी ठीक है जी बिल्कुल सही है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तो इन्हें मीनिंगफुल ऑर्डर पे तो अरेंज नहीं करना है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जैसे कि डिक्शनरी पर होता है और फिर अरेंज करने के बाद आप ये बताइए कि तीसरा वर्ड कौन सा बनेगा हाँ आंसर आग मिल गया स्टूडेंट आपका दिख गया नोटिस्ट डोंट वरी एस आई है एम पहले आएगा ये तो फर्स्ट है, है ना फिर एन के बाद जी ये दूसरा तीसरा इसी से निकलेगा लेकिन जी ई पहले आता है तो ये दूसरा है तीसरा ये है ये लास्ट है तो आंसर ऑप्शन बी बना इसमें इतना कंफ्यूजन क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर एटी एट बहुत आसान क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है सिंपल कोडिंग uh, का एक छोटा सा पार्ट जो अच्छा लगा वो आंसर नहीं होता रोहन ठीक से चेक करना है जो आंसर बनना चाहिए वही मार्क करो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगेगा ये तो मैं अच्छा तो लगा होगा तो यहां पर पूछा है कि हाउ विल यू कॉल योर सिस्टर सो यू विल कॉल योर सिस्टर एज फादर सिस्टर इज कॉल्ड योर फादर लिखा है तो यहाँ पे फादर आंसर आएगा दैट्स एन ऑप्शन ए ठीक है ओके okay, करेक्ट है अगला क्वेश्चन पांच लोग हैं एक रो में बैठे हुए हैं फेसिंग यू लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि आपको डायरेक्शन से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है डायरेक्शन कोई मैंशन नहीं करी तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं येस यू आर राइट स्टूडेंट तो आप इसमें नॉट डायरेक्शन कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लो ठीक है अरेंज करो और बताओ ऑप्शन सी चलो देखते हैं तो दिया है आ, रूही एंड मनाली आर सिटिंग टू द राइट एंड लेफ्ट ऑफ ऊर्जा तो अब यहां पर मिडिल में यू रख देते हैं इसके राइट और लेफ्ट पे तो राइट और लेफ्ट पे क्रमशः दिया है ना ये राइट में और ये लेफ्ट में आर इधर एम इधर ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट uh, इन्फॉर्मेशन को आप कंबाइन करो देखो क्या आता है ध्वनि इज सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन मनाली एंड तान्या तो ध्वनि इधर तानिया इधर ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन है हु अमंग इज सिटिंग इन द मिड ऑफ द रो मिडिल में कौन है देखो मिडिल में मनाली है एम आ रहा है यहां पर ऑप्शन सी बन गया हो गया अब अगला क्वेश्चन जो है वो इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है तो आपने अरेंज कर लिया है, तो आप जल्दी से आंसर कर पाओगे इसका पूछा है हाउ मेनी गर्ल्स आर सिटिंग बिटवीन ध्वनि एंड रूही ध्वनि और रूही के बीच में कितने लोग हैं ध्वनि एंड रूही के बीच में दो लोग हैं एग्जैक्टली exactly. तो आप यहां पर टू आंसर कर दो ठीक है अगला क्वेश्चन एक और उसी पर बेस्ड है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ तान्या ध्वनि ऊर्जा मनाली और रूही जल्दी से आंसर शेयर करो इसका तान्या के इमीडिएट राइट right पर कौन है क्या है था हमारा अरेंजमेंट मनाली तो मिडिल में था ना तान्या, ध्वनि मनाली ऊर्जा एंड रूही ऐसे ही था तो पूछा इमीडिएट राइट ऑफ तान्या ध्वनि आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट चलो ठीक आगे बढ़ते हैं इसे सॉल्व करिए कैलेंडर का क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन क्रिसमस वो सेलिब्रेटेड ऑन संडे इन 2011 ऑन व्हाट डेट इट वाज़ सेलिब्रेटेड इन 2012 तो आपको याद होगा कि सेम डेट से नेक्स्ट ईयर अगर हम जंप करते हैं और वो 365 डेज की साइकिल है तो प्लस वन हो जाता है अगर वो 366 डेज की साइकिल है तो प्लस टू हो जाता है ठीक है तो बताएं मुझे प्लस वन करेंगे या प्लस टू करेंगे ट्यूसडे आएगा आंसर वे राइट तो ये 2011 से जब आप 2012 में जाओगे तो बीच में ट्वेंटी भी आएगा मंडे नहीं आएगा स्टूडेंट ध्यान रखना आप जनरल ईयर से नेक्स्ट ईयर जाते हो तो प्लस वन करते हो और लीप ईयर होता है तो प्लस टू करते हैं ना तो यहां से यहां जाने में क्या होगा कि बीच ट्वेंटी नाइन फेब्रवरी आ जाएगा जिसकी वजह से हमें इस संडे में प्लस टू करना पड़ेगा तो आंसर आपका क्या बनेगा ट्यूजडे ऑप्शन ए ठीक है हा टू डेज एड करना है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का एबीसीडी पर बेस्ड ये, ये इंफॉर्मेशन जैसे ईयर तो होता ही है ना लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब एक ईयर से नेक्स्ट ईयर में मूव करते हैं तो उस 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 पूरे साइकिल में ट्वेंटी नाइन होता ही नहीं है तो ट्वेंटी नाइन की वजह से प्लस टू है वो नहीं है तो प्लस वन है ठीक है Year से ज्यादा इस पूरे साइकिल पे फोकस करो कि इसमें ट्वेंटी नाइन तो नहीं आया है बस इतना ही देखना है आंसर ए दिया है आपने बी बी डिटरमाइंड ओके हाउ टू सी ठीक है ये तो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का क्योंकि बी का तो जेंडर ही नहीं है इसने कहा कि ए सन है बी का उसके बाद फिर आपको बताया गया ए के बारे में कि फादर है सी का तो बी का रिलेशन हम सी से कैसे बताएंगे जब हमारे पास बी का जेंडर ही नहीं है तो वी डोंट नो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर सो इट विल बी कान बी डिटरमाइंड सी एंड डी आप मार्क कर देंगे ठीक है अच्छा यस यू ऑल आर करेक्ट स्टूडेंट अब ये टेबल है तो अब तुम्हें मुश्किल हो जाएगी थोड़ा सा एक काम करो आप, आप लोग इस टेबल को क्योंकि आंसर इसी पर है तो एक काम करते हैं पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर आना आप लोग इंफॉर्मेशन पर ठीक है तो मैं पहले क्वेश्चन पर आती हूं देखो ये क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि दिव्या ने कौन से नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर किया एक सेकेंड स्टे मैं बताती हूं तो चार लोग हैं एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं यहां पर देखो चार लोग हैं अमर बाबू सेरा एंड दिव्या इन लोगों ने चार क्वेश्चन को सॉल्व किया यह है क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर तो अमर ने इसका आंसर टू दिया फिर फोर थ्री फोर ऐसे ही इन सब ने अपने अपने आंसर्स दिए ठीक है सुनो मेरी बात अभी अगले क्वेश्चन को इसको पढ़ो पहले ध्यान से फिर तुम आंसर कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पूरा इतना ज्यादा है कि इसको हर पेज में ऐड करूंगी तो फिर क्वेश्चन नहीं दिख पाएगा इसलिए अभी जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये पूछ रहा है कि दिव्या ने कौन सा क्वेश्चन नंबर सही आंसर किए ठीक है तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दिया है कि अमर ने बाबू ने सियरा ने और दिव्या ने जो क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर के आंसर दिए वो इस तरीके से दिए अब ये किसी के सही है आंसर किसी के गलत है उसके रिगार्डिंग तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया क्या दिया बाबू आंसर फोर क्वेश्चन रॉन्ग तो इसने तो ये सब गलत बताया ये इसके तो चारों आंसर गलत है ठीक है फर्स्ट टू आंसर ऑफ अमर वर्ड डेफिनेटली रॉन्ग अमर के ये पहले दो आंसर निश्चित रूप से गलत है और साथ में इंफॉर्मेशन दिया है दिव्या आंसर टू क्वेश्चंस राइट बट द आंसर टू क्वेश्चन नंबर फोर वाज डेफिनेटली रॉन्ग दिव्या के दो सही हैं लेकिन इसका ये फोर्थ तो निश्चित रूप से गलत है अमर एंड सियरा आंसर ओनली वन क्वेश्चन करेक्ट इन दोनों का केवल एक ही आंसर सही है अब वो कौन सा है इसके तो ये थ्री और थ्री में से थर्ड और फोर्थ में से कोई एक सही होगा इसका पता नहीं कौन सा है तो ये है इतना करने के बाद अब तुम्हें बताना है कि दिव्या का कौन से क्वेश्चन सही है वन टू थ्री फोर में से कोई दो सही है कौन से तो अब देखो ये तो निश्चित गलत है फोर्थ तो इसका सही हो नहीं सकता दूसरा अमर का ये आंसर गलत है इसने फोर आंसर दिया ये आंसर गलत है बताया है तो इसने भी फोर आंसर दिया है तो ये भी इसका गलत ही होगा समझ आ जाएगा देखो ना इजी तो है बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर है वन टू थ्री फोर ये चार लोगों के आंसर हैं जैसे क्वेश्चन वन का आंसर अमर ने टू दिया भानु ने वन दिया ने वन दिया ऐसे करके इन्होंने आंसर दिए लेकिन इनके आंसर सबके सही नहीं है तो जो जो कन्फर्मेशन मिली वो ऐसे मिली कि अमर के तो ये पहले दो गलत है बिल्कुल इसके भानु के तो सब गलत है चारों दिव्या का फोर्थ कन्फर्म गलत है ठीक है

तो देखते हैं क्या पूछा है इसने फिर वापस टेबल पे आएंगे क्योंकि हर बार टेबल में ऐड करती तो मुश्किल होती स्टूडेंट या तो आप लिख लेते टेबल उसके साथ भी है वापस आते हैं अपनी टेबल पे. तो का सही किसने दिया है बताओ इन चारों में से इसके तो सब गलत है इसका ये गलत है ये गलत है तो क्वेश्चन फोर का आंसर सही किसने दिया है अमर और सियरा में से किसी ने दिया है किसने दिया है बताओ रोहन दिव्या का तो बताया हुआ है उसने दिव्या ने फोर्थ का आंसर गलत दिया है तभी तो मैंने इसे कैंसिल करा था पहले से ही इसके तो चारों गलत है बताओ अच्छा अमर कैसे मालूम चला आपको ये नन नहीं इन चारों में से एक होगा कैसे मालूम चला बताओ मुझे एक कनेक्ट करके बताओ यहां से पता चल रहा है ना इसने इसका आंसर टू दिया है जब ये गलत है तो इसका टू भी तो गलत ही होगा तो ये दिव्या का सेरा का बाबू का तीनों का गलत हो गया ना ये तो फिर किसका सही है ये केवल अमर का सही है तो आंसर आपका आएगा यहां से अमर कितना इजी तो है राइट ये इसका कपिल करेक्ट एक क्वेश्चन और है वापस आएंगे टेबल पर तो अगला क्वेश्चन ये दिया है. The answer टू which ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन was मार्क्ड करेक्टली बाय सेरा आपने बताना है कि सेरा ने कौन सा आंसर सही दिया वन टू थ्री फोर में से कौन सा आंसर सेरा का सही है तो वापस आता है टेबल पे अपनी चलो यहाँ पे मैं बनाती हूँ क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर इनके आंसर्स भी हमें पता है जो सही है क्योंकि आपने मुझे बताया कि दिव्या का ये दोनों सही है क्योंकि ये तो गलत ही है इसका तो पहले का आंसर थ्री है इसका आंसर वन है अमर का आपने कहा कि ये सही है तो इसका आंसर थ्री है तो यहां पर एक रहता है ठीक है अब वो कौन सा रहता है सिर्फ सिर्फ ये रहता है टू तो टू ही यहां पर आएगा क्योंकि बाकी सब तो कैंसल है और ये किसने आंसर दिया है सियारा ने तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन का बन जाएगा क्वेश्चन नंबर टू करेक्ट हो गया ना तो शुरुआत में जब आप पूरी टेबल को पढ़ोगे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो थोड़ा सा पजल्ड हो जाते हैं स्टूडेंट आप आराम से इंफॉर्मेशन को पढ़ना और उसके बाद उनको टेबल में फिक्स कर लेना जैसे मैंने लाइंस पढ़ी कि इसने सारे गलत दिए तो मैंने उसको एक साथ काट दिया क्रॉस कर दिया फिर जिसके लिए उसने कहा कि इसका फोर्थ कन्फर्म गलत है मैंने उसे भी कैंसिल कर दिया जिसके लिए उसने कहा शुरू के दो गलत है मैंने उसे भी कैंसिल कर दिया फिर आंसर इसको मैच किया हमने ठीक चलो आगे बढ़े तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है इनमें से बताओ कौन सा ऑड वन आउट है ऑस्ट्रिच अलग है क्रो अलग है पिजन अलग है या स्पैरो टॉपिक पजल वाला इस तरीके का हाँ ठीक है इसको पजल में ऐड कर लेंगे ऐप पर स्टडी प्लान डाउनलोड नहीं हो रहा है उमेश एक बार टीम आपको रिप्लाई करेगी अभी ठीक है, है रिगार्डिंग ऑस्ट्रिच आंसर होगा इसका बिल्कुल क्योंकि ये फ्लाई नहीं करती है ना ऑप्शन बी फ्लाइटलेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन का करिए ठीक है अगला करो डायरेक्शन का क्वेश्चन ईस्ट तो हमारा एक फिक्स रेफरेंस प्लेन जिसके हिसाब से ही हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं दिस इज ईस्ट वेस्ट अपवर्ड इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ तो इंफॉर्मेशन में हमें दिया जूलिया वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम हराउस तो ये है यहां से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर चलना शुरू किया इसने आफ्टर टाइम शी टर्न लेफ्ट तो किसी को लेफ्ट राइट right का कंफ्यूजन तो नहीं है अब इस क्वेश्चन के से अलग मैं ऐसे ही पूछ रही हूं ये तो कन, हो ही गया होगा किसी बच्चे को लेफ्ट और राइट का कंफ्यूजन तो नहीं है अच्छा चलो आपको नहीं है फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती एग्जाम में और मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता इस तरीके से कि मुझे खुद भी अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती या शीट भी रोटेट करना पड़ता तो ऐसे खुद को रोटेट और अपने शीट को रोटेट करने से ज़्यादा बेटर तरीका ये है कि आप अपना लेफ्ट और राइट right तो समझते ही हो दिस इज़ माई लेफ्ट दिस इज माई राइट तो मेरा राइट जो होगा वो हमेशा क्लॉकवाइज होगा तो हर किसी का राइट क्लॉकवाइज है मेरा लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो हर किसी का लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज ही होता है ठीक है इसकी वजह से भी कई बार गलत हो जाते हैं तो ये लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज यहां चला गया उसके बाद इसने क्या किया एक राइट टर्न लिया क्लॉकवाइज जाएगा देन एक और राइट टर्न लिया क्लॉकवाइज तो ये डायरेक्शन इसकी चल रही है ये वाली डायरेक्शन अभी ईस्ट से मैच करती है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी ईस्ट आएगा ठीक है ऑप्शन बी ईस्ट आएगा वेस्ट आंसर क्यों कर रहे हो तुम वाह रोहन स, लिख रहे हो मैम ऑल क्लियर और आंसर दे रहे हो ऑप्शन ए कैसा क्लियर है ये आंसर गलत आ रहा है जो ये तो क्लियर होना अच्छा नहीं है इस तरीके का क्लियर होना ईस्ट आंसर सही है करेक्शन करो इसे चलो आगे बढ़ेंगे एक ऑड है इसमें वन एट ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स वन ट्वेंटी फाइव टू हंड्रेड सिक्सटीन नहीं रिवर्स नहीं किया क्यों रिवर्स किया रिवर्स लिख दिया क्या मैंने नॉर्थ जा रहा था लेफ्ट जा रहा था दो राइट टर्न ही तो थे रोहन ये नॉर्थ गया एक लेफ्ट एक राइट एक राइट ईस्ट आराम से करो गलती मत करो थर्टी सिक्स ओके तो ये क्यूब नंबर्स हैं सारे वन क्यूब टू क्यूब थ्री क्यूब थ्री क्यूब सॉरी तो ये फोर क्यूब आता तो सिक्सटी फोर आता ना यहां पर थर्टी सिक्स दिया है इसने फिर फाइव क्यूब और सिक्स क्यूब तो थर्टी सिक्स ग्रुप से अलग है ऑप्शन है इसका आंसर बनेगा कितना सिंपल क्वेश्चन आया है और हमने तो मॉर्निंग में कितने अच्छे क्वेश्चन भी करे सीरीज के एनटीपीसी में देखो इतना आसान आ गया जो पहला रूल हम डायरेक्ट बोलते हैं कि कुछ भी स्क्वायर और क्यूब मिले तो उसको नोटिस करो उसी पर बेस्ड है ना चलिए अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बताओ क्यों रोहन क्या परेशानी है तुम्हें क्यों उसको ऐसे बोल रहे हो गलत बात है ये बिल्कुल सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से आ, लिख रहे हैं अच्छा आंसर कर रहे तुम ऐसा लाइन क्यों लिखते हो किसी को भी कुछ गलत नहीं लिख दिया ना उसने तो फिर क्या परेशानी है तुम्हें हर बार बोलना पड़ता है मुझे याद दिलाना पड़ता है मत किया करो उस तरीके का बिल्कुल भी अपना ध्यान रखो अनने अपना टाइम वेस्ट मत करो ऐसे तो क्या दिया यहां पर सम वर्ड्स आर डंगी एंड ऑल डी आर एस ठीक है तो फर्स्ट है ऑल बी आर एस तो सारे बी एस के इनसाइड तो दिख नहीं रहे तो ये गलत है दूसरा है सम बी सम बी आर एस हाँ ये हमें दिख रहा है तो ये सही है ओनली टू फॉलोज कहा है ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज आंसर, ठीक है तो कितना रहा स्कोर अब स्कोर बताओ सब लोग स्कोर कैलकुलेट करके शेयर करो आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में शेयर कर रही हूँ एंकर एस 2021 सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन एक वन ट्वेंटी डे मास्टर कोर्स है एस एस सी एंड रेलवे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इस फाउंडेशन कोर्स को बनाया गया है जिसमें सी एच एस एल सी जी एल टीयर वन टीयर टू सी पी ओ आई बी रेलवेज इन सभी के प्रपरेशन आपको एक फाउंडेशन कोर्स में मिल जाएगी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक दीज आर द फैकल्टी मेम्बर्स हु विल टीच यू एंड कोर्स ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर से इनिशिएट होने जा रहा है वन ईयर की कोर्स की वैलिडिटी है मीन्स एक साल तक आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं टू ट्रिपल नाइन का कोर्स है लेकिन अभी ट्वेंटी एट दिसंबर मिड नाइट से पहले पहले टू फोर नाइन नाइन पर से आप अवेल कर सकते हैं ठीक है ठीके? अच्छा कुछ पॉइंट uh, ये भी है स्टूडेंट की uh, बहुत सारे बच्चे एक कंप्लीट कोर्स नहीं चाहते इंडिविजुअल कोर्सेज को लेकर के भी बहुत से लोगों ने हमारे पास इंक्वायर किया है इसलिए चारों ही सब्जेक्ट के इंडिविजुअल स्पेशल बैच भी हमने लॉन्च कर दिए हैं जो ट्वेंटी दिसंबर से ही स्टार्ट होने जा रहे हैं अगेन ये वन ईयर के लिए ही वैलिड है और ट्रिपल नाइन का ये कोर्स है लेकिन एट डबल नाइन नाइन पर आप इसे अवेल कर सकते हैं ट्वेंटी दिसंबर मिडनाइट से पहले पहले ये जो बैचेस होंगे स्पेशल बैचेस चारों सब्जेक्ट के ये अगेन एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स और आपके आईबी और आर रेलवे के जितने एग्जाम है उन सबको फोकस करके किए जाएंगे ठीक है सो दिस इज ऑल स्कोर आपने मुझे बताया थर्टी दैट्स ग्रेट ट्वेंटी ओके ट्वेंटी क्वेश्चन से अटेंड करे हैं ऑल राइट स्टूडेंट तो एवरीडे अपना स्कोर बढ़ाते रहिए हमारा अगला जो मेगा मॉक टेस्ट होगा वो मंडे होगा मंडे कमिंग uh, uh, आपका 11 ए एम स्टार्ट हो जाएगा तो वहां पर ज्वाइन करो अपने आंसर शेयर करो आप लोग आंसर शेयर नहीं करते हो सारे बच्चे लास्ट क्वेश्चन रिपीट करना है लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या दिया था लास्ट क्वेश्चन में आपको दिया था कुछ एक सेकेंड रुको क्या है ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है ना ये दिया है. तो पहली इंफॉर्मेशन थी ऑल बी आर एस तो सारा बी एस के अंदर तो तुम्हें नहीं दिख रहा तो पहला गलत हो गया दूसरा है सम बी आर एस तो बी एस में कॉमन शेयरिंग दिख रही है तो सम वाला सही हो जाएगा दूसरा ठीक है वंश क्लियर है तो अपना ख्याल रखें इस सेशन को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें सेशन को लाइक करें जो भी बच्चे हमारे चैनल पर ऑनलाइन बेंचर्स एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स पर आज नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगला सेशन मंडे टेन ए एम पहले रीजनिंग का होगा टॉपिक वाइज डिस्कशन हम करेंगे और उसके बाद ग्यारह बजे एन को ध्यान में रखते हुए मेगा मॉक टेस्ट बाय टेक केयर जय हिंद